भो नमो नमः प्रणम नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद एक बार हाथ उठाकर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वाग्रे मध्य गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोतर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे सिख्या गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोतर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोतर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला वामन गोस्वामी महाराज एवं श्री ओम प्रकाश प्रभु श्री मधुसूदन महाराज अन्य अन्य समस्त वैष्णव वैष्णवियों को जथा योग्य प्रणाम। हरे कृष्ण। आज हम लोग व्यास पूजा को उपलक्ष्य करते हुए हम सबके सब यहाँ पर पहुँचे। व्यास पूजा तो 21 तारीख को हो गया है, लेकिन चूँकि हमें अलग अलग स्थान पर मना रहे थे इसलिए यहाँ पर थोड़ी देर हो गई, लेकिन व्यास पूजा तो नित्य ही करनी चाहिए। गुरु पूजा नित्य हमें करनी चाहिए। गुरु पूजा अभी प्रश्न है, हम लोग ये व्यास पूजा क्यों मना रहे हैं? व्यास देव का हम लोगों का ऊपर में क्या विशेष देन है? यदि जो व्यास है जिन्होंने सारे वेद पुराण उपनिषद महाभारत समस्त शास्त्र को जो व्यास मतलब होता है विस्तार करना, जिन्होंने ये सारे शास्त्र को जिन्होंने विस्तार किया है इसलिए उनका नाम है श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। अभी प्रश्न होता है हम इनका व्यास पूजा क्यों मना रहे हैं, इनके क्यों हम इतना ऋणी है? जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्य। जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब धर्म का हानि होने लग जाता है और अधर्म बढ़ने लग जाए, साधु संत पृथ्वी को इनको ऊपर में अत्याचार होता है, तब तक मैं इसी जगत में अवतीर्ण होकर के भक्तों को रक्षा करता हूँ और दुष्टों को मैं विनाश करता हूँ। लेकिन कभी कभी भगवान गोविंद देव तो स्वयं आते हैं, कभी कभी भगवान राम भी त्रेता युग में आए भगवान राम, लेकिन कभी कभी भगवान क्या करते हैं अपना विशेष किसी भक्तों को जगत में भेज देते हैं। इसलिए बोले भगवान की 6 तरह का अवतार है। कितना अवतार है? 6 तरह का अवतार। एक अवतार है गुणा अवतार, जैसे शंकर जी ब्रह्मा जी विष्णु जी, कहती है भगवान की ये गुणा अवतार। भगवान कभी कभी अपना गुण किसी व्यक्ति को अंदर में दे करके जगत में आते हैं। और एक है भगवान की आवेश अवतार। भगवान कभी कभी अपना आवेश किसको अंदर में अपना आवेश को दे करके जगत में ले आते हैं। कभी कभी भगवान का एक होता है सत्यावेश अवतार। भगवान कभी कभी अपना शक्ति को किसी विशेष जीव को अंदर में प्रदान करते हैं। यदि जो व्यास देव है
ये भगवान का कौन सा बता रहे हैं, कहते ये भगवान का सत्यावैसा बता रहे। इसलिए व्यास देव को बताया गया ये व्यास नारायण स्वयं, ये जो व्यास देव है ये स्वयं श्री नारायण है। और इन्होंने इसी जगत में आकर के उन्होंने क्या किया, जब श्री व्यास देव जी ने सारे पहले एक वेद था, एक वेद को उन्होंने चार वेद रूप में विभाजित किया, फिर उन्होंने देखा कि ये वेद को भी लोगों को समझना कठिन है, फिर उन्होंने उपनिषद, वेद मतलब क्या है, कहते वेद अतीति वेद, जो जीवों को भगवान के बारे में जो जानाता है, फिर उन्होंने उपनिषद लिखा, उपनिषद मतलब क्या है, जो जीव को भगवान को तक जो पहुंचा दे, इसलिए उसका नाम उपनिषद। फिर उन्होंने देखा इसको भी जीव को समझना कठिन है, फिर उन्होंने 17 पुराण को लिखा, फिर उन्होंने देखा स्त्री और शूद्रों को ये वेद में अधिकार नहीं, फिर उन्होंने पंचम वेद लिखा जिसका नाम है महाभारत, जिसके अंदर में ये भगवत गीता भी, जिसके अंदर में ये भगवत गीता है। जब व्यास देव जी इतने सारे ग्रंथों को रचना तो कर दी, लेकिन इनका मन में शांति नहीं, इनके मन में शांति नहीं, बड़े दुखी होकर के बैठे हुए, बोले जीव कल्याण के लिए तो मैंने इतना ग्रंथों को रचना की, लेकिन मेरे ही अंदर में शांति नहीं, जो ग्रंथ को मैंने रचना किया अगर मुझे ही शांति नहीं मिले, फिर इसको पढ़ करके दूसरों को शांति कैसे मिलेगा। इसलिए श्री व्यास देव जी बड़े दुखी होकर के बैठे हुए थे। इतने में भगवत इच्छा से श्री नारद जी बिना बजाते बजाते श्री वहाँ पर श्री नारद जी उपस्थित हुए। नारद जी बोले व्यास देव लगता है मन में तुम्हारी शांति नहीं, बोले ना, बोले गुरुदेव आप तो सब जानते हो, आप तो गुरु हो, गुरु मतलब क्या है, गुकार अंधकारत्वात् रुकार तस्य निरोधक, हमारे हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार को जो दूर करके दिव्य आलोक को जो संचार कर दे, कहते ये गुरु जी का काम, आप तो गुरु जी आप तो सब जानते हो, इसलिए आप कृपा करके बताओ मुझको शांति कहीं नहीं क्यों नहीं मिल रहा, आप बताओ क्या व्यास देव को पता नहीं, हम सुन रहे थे ना भगवान की सत्या वैसे बता रहे, ये व्यास देव नारायण है यहाँ पर शिक्षा देते हैं, देखो तुम जितने बड़े क्यों नहीं हो जाओ, जितने बड़े क्यों नहीं हो जाओ, कहते ना बिनु गुरु भवन दी तरह न कोई जो बिरिंची शंकर सम होई, कहते ब्रह्मा और शंकर जी के बराबर क्यों नहीं हो जाए, भैया जब तक गुरु जी के आश्रय ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हमारी कल्याण होने वाले नहीं। इसलिए मानो नारद जी गुरु है, नारद जी गुरु है, इसलिए गुरु ही हमारे अंदर में क्या कमजोर है, कमी क्या है, ये बात को गुरु जी ही पकड़ सकते हैं और कोई नहीं बता सकता है। इसलिए मानो यहाँ पर शिक्षा देते हैं भैया गुरु परंपरा की जरूरत है, इसलिए बोले लगता है तुम्हें शांति नहीं, बोले गुरु जी बताओ, तब श्री नारद जी कहते हैं क्या कहते हैं, बोले जथा धर्म दया सार्था मुनि वर्ज्यानो कीर्तित न तथा वासुदेवस्य महिमा जनु वर्णित। देखो यहाँ पर हमें शिक्षा देते हैं, क्या शिक्षा देते हैं, हम भी जीवन में शांति सुख के लिए कोशिश कर रहे हैं, अरे कर रहे हैं कि नहीं, जो कुछ करते हैं किस लिए करते हैं, शांति और जीवन में शांति और सुख मिले, इसलिए तो सब करते हैं कि नहीं, इसलिए सब कुछ करते हैं। लेकिन आप प्रैक्टिकल रूप में देख लो, हम कोशिश करते भैया अगर लिखाई पढ़ाई खत्म हो जाए पर शांति मिलेगी, वो भी होगी, अरे सोचते हैं तब भी शांति नहीं मिली, सोचते हैं शायद अच्छे तरह से नौकरी हो जाए तभी शांति मिलेगी, नौकरी भी हो गई तभी शांति नहीं, सोचते हैं शायद शादी शुद्धा हो जाएगा तो शांति मिलेगा, शादी शुद्धा भी हो गया तभी नहीं मिला, फिर सोचते हैं अगर बेटा जन्म हो जाए शांति सुख मिलेगी, फिर सोचते हैं बेटा की लिखाई पढ़ाई कर दो शांति सुख मिलेगी, उसका भी करवा दिया, फिर सोचते हैं बेटे हमारे घर में बहू आ जाए तब शांति मिलेगी, जब घर में बहू आ गई ना बोले हाय रही, पहले तो सोच रहे थे सबका घर में बहू, हमारे घर में बहू नहीं, लेकिन घर में जब बहू आ जाए तो ना कहते हाय रे कैसे बहू आ गई, आ करके बेटा का बुद्धि खराब कर दिया,
इसलिए हम भी जीवन में स्वस्थ हैं, शांति सुख के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन आप देख लेना प्रैक्टिकल रूप में सामने एक समस्या है, सोचते हैं शायद एक समस्या हल हो जाए, सुख मिलेगा, देख लेना एक समस्या गई नहीं, दूसरी समस्या करी। हम भी जिंदगी भर शांति 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 के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नारद कह रहे हैं भैया शांति मिलेगी कैसे, शांति मिलेगी कैसे, इसका उपाय बता रहे हैं। कहते जथा धर्म दार्था मुनि बरज्ञान कीर्तित, तुमने पहले पहले जो धर्म को बारे में बताया ना, कैसे धर्म करे करके पैसा कमाए, खूब दान पुण्य दे करके फिर स्वर्ग जाए, हैं फिर मुक्ति मिले, हम तो यही चाहते हैं ना, पैसा कमाए, पैसा कमाने पर सुखी हो जाएगा, दान देने पर सुखी हो जाएगा, स्वर्ग में जाने पर सुखी हो जाएगी। भैया कहते राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, लेकिन तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब दुख विदारी। इसलिए यहाँ पर श्री नारद जी कह रहे बोले देखो भले ही जीवन में जो कुछ भोगो, यही बात तुमने बताई भैया, ये आत्मा के धर्म नहीं है, ये आत्मा के धर्म नहीं, इसलिए दूसरे दूसरे धर्मों के बारे में तुमने जितने बनाया बताया, लेकिन तुमने न तथा वासुदेव महिमा जन वर्णित, अगर जीवन में शांति सुख पाना चाहते हो क्या करना पड़ेगा, गोविंद देव को भजन करना पड़ेगा, केवल सुख कहाँ पर, गोविंद देव, गोविंद देव की भक्ति को खूब बढ़ा चढ़ा करके बोलो, ठीक है ना, किसकी भक्ति, गोविंद देव का भक्ति के बारे में बताओ, भागवत ग्रंथ को लिखो और ये बताओ गोविंद देव ही सब कुछ है, हैं, इसलिए इनका नाम है गोविंद, ठीक है ना, गोविंदंग मादि पुरुषम तमहं भजामि, ये गोविंद समस्त ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व, ये जो गोविंद देव है ये साधारण नहीं, ये समस्त कारणों का कारण, कारण कौन है, बल्कि भगवान श्री गोविंद देव, एक बार जय दो बोलो भगवान श्री गोविंद देव की, अरे जोर से बोलो, आज बहुत बढ़िया प्रसाद बना है, बोलो भगवान श्री गोविंद देव की, इसलिए भागवत में क्या बताओ, गोविंद ही स्वयं भगवान, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये गोविंद ही पूर्ण ब्रह्म है, अरे गोविंद ही समस्त कारणों का कारण है, और गोविंद को भक्ति करने से ही तभी पूर्ण शांति मिल सकती है, ये बात को तुम स्पष्ट रूप में बताओ, स्पष्ट रूप में बताओ, ठीक है ना, और कोई देवा देवी की भक्ति की मत मत कहा करो, और किसी देवा देवी की भक्ति की मत कहा करो, कहा तो क्या करो, केवल गोविंद देव का भक्ति बताओ। इसलिए श्री व्यास जी कहते भक्ति जोगे न सम्यक प्रणीत अमले अपस्यम पुरुषम पूर्णं मायां जगत अपाश्रय, जब श्री नारद जी हमने व्यास देव को ये ज्ञान बताए, व्यास देव जी ने भक्ति योग समाधि को द्वारा समाधिस्थ हुए तो संपूर्ण गोलोक वृंदावन को दर्शन किया, हैं, भगवान गोलोक वृंदावन को दर्शन किया, और उनने क्या किया, जीव कैसे भगवान को भूल करके ये माया में कैसे दुख कष्ट पा रहे हैं, और माया क्या कर रहे हैं, सबका डंडा भी, लेकिन उससे अनासक्ति हो रही क्या, जितना संसार की डंडा पड़ रहा है ना उतना चुपकते हुए जा रहे हैं, संसार में उतना चुपकते हुए जा रहे हैं, इसलिए श्री व्यास देव जी ने देखा भैया इससे जीव का कल्याण होने वाले नहीं, कल्याण कब होगी, जब हम गोविंद देव का भजन करेंगे, जब उनकी भक्ति करेंगे, फिर तो ये माया जीव को छोड़ सकती है, जितने हम भगवान की तरफ में जाएंगे माया उतना हमसे दूर होते जाएगा, उतना ही माया दूर होते जाएगी। फिर उन्होंने ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ बनाए, और भागवत ग्रंथ में भगवान की सुंदर सुंदर, और एक चेयर दे दो तो प्रभु जी के लिए चेयर ले, फिर उन्होंने भागवत में भगवान की सुंदर सुंदर कथा, ठाकुर जी की बड़ी प्यारी प्यारी उन्होंने ठाकुर जी कथा सुनाई है, और भगवान की भक्तों का, हाँ भगवान की भक्तों का उन्होंने दिव्य दिव्य भगवान की भक्तों का चरित्र को उन्होंने
भागवत ग्रंथ में रचना जब की, और विशेष करके हमारे गुरुदेव कहते हैं, हैं? विशेष करके हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज कहते हैं, व्यास देव का चरण में हम इतना ऋणी क्यों है, क्यों इनके चरण में ऋणी है। देखो एक चीज हमारे गुरु जी कहते हैं, सारा दुनिया में बताया गोविंद देव कौन है, ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक ये गोविंद देव, जिनकी ब्रह्मा शंकर इंद्र चंद्र वायु वरुण ब्रह्मा शंभु रमा अमरपति गणेशार चितपद, जिनकी चरणों को विश्व ब्रह्मांड गोविंद देव को पूजा करते करते कि नहीं, प्लस सब जगह पे तो ये बताए। लेकिन इसे व्यास देव को बोले, बोले देखो नारद जी कह रहे हैं, बोले तुमने ऐसे क्या बताया, विश्व ब्रह्मांड जिनकी पूजा करता है, लेकिन ये गोविंद देव भी किसकी पूजा करते हैं, ये गोविंद देव भी किसकी भक्ति करते हैं, ये बात लिखा है, किसको भक्ति करते हैं, राधा रानी को ना, तुम लोग सब पंडित हो सब, इसलिए कहते हैं तुमने लिखा है विश्व ब्रह्मांड गोविंद देव का प्रसाद पाते हैं, लेकिन ये गोविंद देव भी किसका प्रसाद पाते हैं, बोले सखाओं का है, राधा रानी को तो पाते हैं सखाओं का। अगर सखा लोग जंगल में गए, देखा पेड़ गोबर में बड़ा सुंदर के पका हुआ पहले आग, बोले भैया उसको कैसे तोड़ेंगे, नीचे तीन चार सखा खड़े हो गए, उसको ऊपर में दो तीन सखा, उसको ऊपर में एक सखा खड़ा हो गया, वो पके हुए आम को तोड़ा पहले ही खा लिया, बोले वाह बड़ा मीठो है, सखा बोले तो अकेला खाओगे, दूसरे सखा को दे दिया, तीसरे सखा, और आते आते ना गुठली गोविंद देव के पास में, तो बोलो गोठली आ गया, सब खा चुके, अरे गोविंद देव क्या करे, गुठली को चाट चाट कर खा गए, वाह बड़ा मीठो फल है, बोले तुमने कहीं बताया विश्व ब्रह्मांड का मालिक जो गोविंद देव है, जिसका झूठा विश्व ब्रह्मांड खाते हैं, वो भी किसका झूठा खाते हैं, किसकी, सखाओं की झूठा खाते हैं। सखा लोग अगर घर से मालपुड़ा लाए, बोले कन्हैया मैया ने बड़े सुंदर मालपुड़ा भेजा, बोले तू अकेला खाओगे, वो ऑलरेडी खा चुका है, कृष्ण छीन कर खाते हैं, ये बात बताए, बोले नहीं, तो इसलिए तो शांति नहीं मिल रहा। अगर गोविंद देव सखाओं को साथ में खेलते खेलते अगर हार जाते हैं ना, कृष्ण को घोड़ा बना देते, चल कहते माठ बन से लेकर के भांडिल बट, चल घोड़ा बन कर, देखना घोड़ा कैसे चलाते हैं, हांठू पर मारते मार, चल घोड़ा बन कर स्वयं घोड़ा बन जाते हैं। विश्व ब्रह्मांड जिनको माया के द्वारा बांध कर करे थी, लेकिन मैया क्या करती, कन्या को उखल में बांध देती, विश्व ब्रह्मांड का कान पकड़ने वाले गोविंद, बता सही बता मिट्टी खाएगी नहीं। धर कुमार कृष्ण कहते हैं, ना अहम भक्षित बान वो सर्वे मिथ्या विसर्जन माँ, ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं, तू एक सत्यवादी अहिष्टता सब झूठे, बोले हाँ भैया, बोले तुमने ये बात कभी बताए, बोले बताया, बोले इसीलिए तो शांति नहीं मिल रहा है, तुमने ये बात बताए विश्व ब्रह्मांड गोविंद के चरण सेवा करते हैं, लेकिन कृष्ण स्वयं सेवा कुंज में राधा रानी के चरण की सेवा कृष्ण स्वयं करते हैं, बताया ये बात, सेवा करते हैं। अगर शांति बनना चाहते हैं ना, ये चीज को स्पष्ट रूप में बताओ, इसलिए श्री व्यास देव जी ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ में बड़े सुंदर सुंदर कृष्ण की प्यारी प्यारी मीठी मीठी बड़ी सुंदर सुंदर कथा वर्णना किया, फिर तो व्यास देव को पूर्ण शांति। इसलिए हम लोग व्यास पूजा इसलिए मनाते हैं, अगर ये अगर ग्रंथ रचना नहीं करते, गीता भागवत हम कहाँ से सुनते, कहाँ से सुनते, कृष्ण कौन है, राधा रानी कौन है, हम थोड़ी हम गीता पता चलता है, भागवत पता चलता है, पता ही नहीं चलता, हम भजन ही नहीं करते। इसलिए अभी जो थोड़ी बहुत भक्ति करने के लिए हम कोशिश करते हैं, ये किसका देन है, कहते ये व्यास देव का देन, ये व्यास देव का देन, ये नहीं होते तब कभी भक्ति नहीं कर सकते, ये भगवान की सत्यावेश अवतार है। इसलिए हम लोग व्यास पूजा का दिन क्या करते हैं, हम लोग सबके सब व्यास पूजा करते हैं। फिर प्रश्न आता है, उस दिन तो व्यास पूर्णिमा, फिर अपना गुरु जी की पूजा फिर क्यों करते हैं, हमारे भारत में यही करते हैं ना, भले एक बार कंठी माला तिलक ले लिया, भले इस साल में कभी जाओ मत जाओ, लेकिन इस साल में गुरु पूर्णिमा का दिन जाते हैं ना, गुरु पूर्णिमा का दिन सबके सब गुरु पूजा करने के लिए जाते हैं। कहते फिर हम गुरु पूजा क्यों करने जाते हैं, बोले कारण है व्यास मतलब होता है विस्तार करना, जैसे श्री व्यास देव जी ने सारी ग्रंथों को उन्होंने विस्तार किया, हमारी गुरु जी भी वही काम कर रहे हैं।
वही तो काम करें। गुरु जी क्या कहते हैं, व्यास देव जी ने जो गीता भागवत जब पुराण बताया गुरुदेव तो वही बोल रहे और क्या बोलते हैं। इसलिए उसी परंपरा में हमारे गुरुदेव, उसी परंपरा में आकर के व्यास देव का जो काम है हमारे गुरु जी करते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, व्यास पूजा का दिन अपना गुरु जी की दर्शन करने जाते हैं, यथासाध्य गुरु जी की हम सेवा करते हैं, हैं, और गुरु जी की कथा सुनते हैं। इसलिए हम लोग आज व्यास पूजा का उपलक्ष्य में हमारे सुंदर गोपाल प्रभु जी मंदिर में कथा रखवाया, उन्होंने 4-5 दिन कथा रखवाया, रोज रोज एक अलग अलग टॉपिक रखे। लेकिन कल तक ये कथा थी, लेकिन हम लोगों का आने में देर हो गया, इसलिए वो कथा का आज कर लिया। अरे कल हम और दूसरे टॉपिक ऊपर सुनेंगे। और हमारे बीच में हमारे बड़े गुरु भाई कहते श्री ओम प्रकाश ब्रजवासी हैं, ये पहले मंदिर में रहते थे, प्रभु जी पहले मंदिर में थे और गुरु जी की बहुत सेवा की है हमारे महाराज जी की। इतना सारे ग्रंथ का जो प्रूफ रीडिंग है, प्रभु जी ने सारे ग्रंथ का प्रूफ रीडिंग किए। प्रभु जयपुर में ही रह रहे हैं, ये LLB और बहुत सारे डिग्री प्रभु जी, और गुरु जी की बहुत प्रिय है, बड़ी सेवा की गुरुदेव की। आपको प्रभु जी अभी थोड़ी सी आपको उपदेश कथा सुनाएंगे व्यास पूजा को लेकर, हमारे श्री ओम प्रकाश प्रभु ब्रजवासी। नमो शुपादाय आचार्य सिंह अचुतचरित्राय साहिदानंदपालिने जीव दुख सदाता। नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम बदायते कृष्णाय प्रतिदिनामृतसेन जयतांशुतोकमोमंदमतिर्गति मत्सवस्पदा बोधम राधा मदन मोहनम दिव्यदिंदारण्यकमाधवत्नागार सिंहासनस्थौ श्री श्री राधा श्रीभुम देव निष्ठा विषेदमान स्मरा ओम बिंदा दुष्दियाकेश्वर च कृष्णभक्ति नमो नम श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्टैंड होते देते शिक्षा गुरु पाद भक्ति वेदांत मानु सिंह महाराज के श्री चरणों में छात्र करते हुए उनके अधिक ज्ञान कौन सा ज्ञान तो बहुत सारे है, सांसारिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, राजनीतिक ज्ञान है। ये आध्यात्मिक ज्ञान वह ज्ञान है जिसके द्वारा हम भगवान के पार पद्मों को प्राप्त कर सकते हैं। यह ज्ञान बोला बोलो चांदी पनी चेतन महाप्रभु के गुरु कौन थे ईश्वरपुरी पाद। तो भगवान ने गुरु के चरणों में आश्रय ग्रहण करके हमें ये बतलाया है कि जीवन में यदि हमें आगे बढ़ना है, हमें भगवान के चरणों की प्राप्ति करनी है, तो सदगुरु का आश्रय करना चाहिए। और यह आज का जो पर्व है इस समय कर रहे हैं, तो मैं बता रहा था कि गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन मिला ना मोक्ष, और गुरु जी के बिना हमको मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होती है। गुरु लखे न सत्य को, गुरु बिन लखे सत्य को, गुरु जी के बिना हम सत्य वस्तु को नहीं जान सकते। सत्य वस्तु क्या है,
जहाँ तक कि भक्ति में मिलावट है, किंतु हमारे गौड़ीय ग्रंथों में जहाँ जहाँ भक्ति का शब्द का उच्चारण किया गया है उसके आगे शुद्ध लिखा हुआ है, शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, प्रत्येक ग्रंथ में शुद्ध भक्ति क्यों कहा गया? कि सभी लोग तो भक्ति कभी उनके ऋण को हम चुका नहीं सकते हैं, उन्होंने हमको ऐसे पत्थर ला खड़ा कर दिया है, आज हम पता नहीं किस गंदी नाले में कीड़े मकोड़े होते, किंतु इनकी कृपा के द्वारा, इनके आशीर्वाद के द्वारा आज हम भगवान का भजन कर पा रहे हैं। यह पर्व गुरु शिष्य के पवित्र संबंध का प्रतीक है। इस दिन शिष्य अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं एवं उनके ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए उनका सम्मान करते हैं। जैसा कि हमने स्मरण किया महाराज जी के मुखारवंद से, व्यास पूजा के दिन यह पूजा जो होती है उस दिन व्यास जी का जन्म होता है, और व्यास जी के हम ऋणी इसलिए हैं कि उन्होंने जो एक जो वेद था ऋग्वेद उसके चारों पुष्पमाला तिलक लगा करके और उन्हें वस्त्र फल फूल भेंट किए जाते हैं। हरिभक्ति विलास में लिखा हुआ है, निशांत मुसल बात कह रहे हैं कि पथमंतु गुरु पूज्यम प्रतिष्ठव ममार्चनम कुर्बान सिद्धि ममापूर्ति हीनता निष्फलम भगे, तो शिष्य भी है गौड़ी मठ के, अरे भाई जिन गुरु ने तुम गुरु पर कृपा करके और तुम्हें इस पथ में लेकर आए हैं उनको तुम भूल गए। यद्यपि गुरु वैष्णव होते हैं और वैष्णव ही गुरु होते हैं, हमारे कुछ वासुदेव महाराज जी में जो वैष्णव के 26 गुण हैं वह पूर्व मात्रा में है। वैष्णव कौन हो सकता है जिसने षड ऋगुओं पर विजय प्राप्त कर ली है? षड ऋगु कौन कौन से हैं? काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य। यद्यपि ये सारे षड ऋगु हैं, माश्चर्य को छोड़ दीजिएगा, पहले जो 5 हैं काम क्रोध लोभ मोह माश्चर्य ये हरि को होते हैं। हरि का मतलब आप वैष्णव होते हैं, गुजरों में भी होते हैं, अवश्य होते हैं, किंतु गुरुजन जो है वो कामना क्या करते हैं कि मैं और मेरा शिष्य या भगवान के चरणों में उनकी रतिमती लगी रहे, या भगवान के चरणों को प्राप्त कर सकें। कुछ बार भक्तिदेव माधव महाराज जी ने कहा, जो कृपा के शिष्य थे उन्हें कहा कि भक्ति चाहे तो इसी जन्म में बहुत प्राप्ति कर सकता है। वो तो कैसे करेगा? कम शुद्ध रूप से हरिनाम करें, निरपराध होकर के जो नाव अपराध है उनका परित्याग। कहते हैं जो कुछ करो मुझ कष्ट में अर्पण कर दो, तथा सर्वम मद अर्पणम कुरुस्व। गुरुदेव हमें क्या देते हैं? हमको वो भक्ति प्रदान करते हैं हमको, और भक्ति अगर कोई मूल्य लेते हैं वहां से कदा भी नहीं, वह बिना मूल्य के आपको भक्ति देते हैं। केवल मात्र उसका मूल्य क्या है? लोभ, लोभ होना चाहिए। तो मैं बता रहा था, वो षडरिपु के बारे में बता रहा था, मैं तुलना कर रहा था मैं कि सब में होते हैं, संसारी लोगों में होते हैं और गुरु वैष्णव में होते हैं। काम क्रोध, मेरे गुरु पाद पद्म के सामने जी को ये कह दे कि भगवान निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है, बस उसकी कोई खैर नहीं होती, इतना क्रोध करते थे, भयंकर क्रोध करते थे। उनका नाम था सिंह। नमो पादाय आचार्य सिंह रूपणे श्रीमती प्रज्ञान केशव के नाम होता है कि जो भगवान को कहता है निर्गुण है, निराकार है, महाराज किसी खैर नहीं। गुरुजन मठ में रहने वाले जो भक्त हैं, ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, उनका भी शासन करते हैं, और वो शासन यदि थोड़ा सा भी भूल हो जाती है तो गुरु जी क्रोध करते हैं, क्रोध क्यों करते हैं? उनके कल्याण के लिए करते हैं। और लोभ, लोभ गुरु जी में भी होता है, वैष्णव होता है। लोभ क्या है? हमारे भगवान की जो भक्ति है, भगवान के चरणों में हमारी प्रतिमती है, वह लगी रहे, ये हमारा लोभ होता है। काम को दो मोह, मठवासी बनकर संन्यास ले लिया है और संन्यासी बन गया है पुत्र, तो पिता का कर्तव्य है कि वह पुत्र को प्रणाम करे, क्योंकि वो संन्यासी है। माँ ये भाव नहीं रहेगा कि ये मेरा पुत्र है, मैं इसको प्रणाम कैसे करूँ, नहीं आता है। आशीर्वाद
लिया जाता है। वैष्णव की क्या गर्ज है वो अगवासी बताएंगे। अरे आप उनके प्रणाम करेंगे, चरण स्पर्श करेंगे, उनको उनकी वंदना करेंगे, उनका गुणगान करेंगे तो वो आपको आशीर्वाद देंगे। इसलिए गुरु वैष्णव के आशीर्वाद से है और बल बढ़ता है। भगवान गुरु जी बताते हैं कि आपको भगवान अभी मिल जाएंगे, परंतु आपको करुण पुकार होनी चाहिए, हमारे पुकार में करुणा होनी चाहिए। हमारे जीवन में कितने वर्ष हो गए, 10 साल, 5 साल, 2 साल, 20 साल, 50 साल हरिनाम कर रहे हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे, लेकिन आज तक आपस एक अशुपात नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में बहुत सारे अपराध और पाप हैं। और कली में भी भगवान कली आएंगे, इन विभिन्न पूर्व युगों में भगवान वह वस्तु नहीं दे पाए जो वस्तु कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने दी है। वह वस्तु क्या है? कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम क्या है? स्वयं कृष्ण भी अपना प्रेम नहीं दे पाए, तो कृष्ण प्रेम जो हमारे और यहां पर नहीं अभी तो सारे संसार में आप परिभाजक के रूप में भ्रमण करते हैं और जीवन का उद्धार करते हैं, ऐसे परम विद्वान संत के दर्शन, यह हमारा परम सौभाग्य है। यदि हमने इनके चरणों में आश्रय ग्रहण किया है तो निश्चित रूप से लक्षण है, पहला लक्षण है कि मन कथा में हमारा लगने लगेगा। यदि हमारा मन कथा में नहीं लग रहा है तो जी कि हमारा जो है गुरु जी ने जो बीज अवन किया है वो पुष्पित फलित तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। वैष्णव सबसे पहले जो अनर्गल बातें हैं उनको उनका त्याग कर देगा और उसका मन कथा में लगेगा, ढूंढेगा कथा कहाँ हो रही है, वहां जाएगा, सुनेगा, अनावश्यक समय को नष्ट नहीं करेगा। आप देखा। और नंबर दो वह बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होने लगेगा, टीवी है, अखबार है, इन सबको बिल्कुल भी नहीं देखेगा, बिल्कुल नहीं देखेगा। कब कोई कथा सुनावे यह इच्छा हमारे अंदर सब समय रहेगी, सब समय रहेगी, सुनावे यह हम उसका पाठ करें। हमारे घर में ग्रंथ हैं, हमको प्रत्येक गौरी वैष्णवों को अपने घर में गौरी ग्रंथ को रखना चाहिए। और जिसमें सबसे सुमण ग्रंथ है उसमें भागवत। भागवत क्या है? भागवत भगवान का वाङ्मय स्वरूप है, स्वयं साक्षात कृष्ण ही है स्वयं भागवत। तो भागवत के अतिरिक्त तो हमें उसका भागवत का एक पाठ, आधा पाठ, 10 श्लोक, 40 श्लोक पाठ करना चाहिए हमें, कब कथा हमें कुछ सुना भी। और जब हम हमारे हृदय में बीज रोपण करते हैं भक्ति का पूजे, तो हमारे अंदर एक निश्चित आ जाएगी और निर्भर आ जाएगी, हम भयभीत रहेंगे। भयभीत किससे? सबसे बड़ा भय है मृत्यु का। हम जान जाते हैं कि मृत्यु तो जिसने घर में लिया है वो आगी आएगी आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु मृत्यु ऐसी होगी, सुखद मृत्यु होगी, आपको पता भी नहीं पड़ेगा तब मृत्यु होगी। जैसे आप सब जानते हैं जयपुरवासी या सब लोग यहाँ जयपुर में रहते हैं, ओम प्रकाश जी मोदी सब जानते हैं, पूरा जयपुर जानते हैं, परम भक्त हैं, बहुत सेवा करते हैं विभिन्न मंदिरों की, खासतौर से गोमती नदी में छुपे हो जाते हैं, उनकी पदाश्री बनी पार्क में या बनी पार्क में प्रणाम करते करते चले गए। तो यह है हमारे हृदय में भक्ति की जो बीज आरोपण किया गुरु जी ने, वह हमारी मृत्यु सुखद होगी, मैं मृत्यु से भय नहीं लगेगा। और जब हमारे अंदर यह भाव पैदा हो जाए कि सुख दुख में हम समान रहें, देखिए सुख और दुख ये भगवान ही देते हैं, न हमारे कोई पड़ोसी या भाई बंधु या माता पिता नहीं देते हैं, या कोई दुश्मन भी नहीं देता है, हम सोचेगा अरे उस दुश्मन ने हमारा को दुख पहुँचा दिया, नहीं, ये सुख और दुख तो हमारे भाग में लिखे हैं, हमारे कर्मों का फल ही हम भोग रहे हैं। और जितना दुख आएगा वो उतना इसलिए अच्छा है कि हम तो भगवान को स्मरण करते रहेंगे,
कुंती ने भगवान कृष्ण ने जब कहा कुंती बुआ आप कुछ मांगो मैं जा रहा हूँ बोलो वृंदावन, तो उन्होंने कहा कि मुझे आप देना चाहते हैं कुछ दुख दे दो आप, तो दुख में क्या है मैं सब समय आपका स्मरण करती रहूंगी, और जब भक्ति रूपी बीज हमारे हृदय में रोपण हमारे अंदर जो अहंकार है वह समाप्त हो जाएगा और हम सबका भला सोचने की हमारी दृष्टि हो जाएगी। मंगल आरती हम करते हैं, मंगल आरती में क्या लिखा है शुभ दृष्टि करो प्रभु दौते रति, मंगल आरती सब करते हैं घर में अपने सबको याद है नहीं याद है हौसल की बात है करना चाहिए तो शुभ दृष्टि करो प्रभु जगत के प्रति, ये भाव हमारा आयाम में आने लगेगा और हमको जो हमारे जो षड रिपु हैं वो हमारे जीवन में से समाप्त हो जाएंगे और सात्विक भोजन हमको अच्छा लगने लगेगा, हम कभी भी हमारी दृष्टि उधर नहीं जाएगी जो अखाद्य वस्तु है, और ब्रजधाम गुरुधाम मन में बस जाएगा इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु जी की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है, इतनी बस स्वामी महाराज जी के जगत में आकर के जीवों का उद्धार कर रहे हैं, न केवल सारे भारतवर्ष के संसार खासा जीवों का, आपका बड़े प्रकांड विद्वान है, आप सब समय निरंतर श्रीमद् भागवत की कथा कहते रहते हैं और भागवत कथा तो एक माध्यम है चैतन्य महाप्रभु जो सिद्धांत है उनको प्रतिपादित करते हैं जो और कोई नहीं करता है। भागवत के महात्म में लिखा हुआ है कि भागवत की विक्री करता है उसके मुंह से कभी भागवत सुनने नहीं चाहिए, अगस्त के मुख से भागवत सुनने से पाप लगता है, जो विक्री करते हैं लेते हैं 11 लाख 21 लाख 51 लाख रुपए मुझे भागवत मत सुनिए आप न टीवी पर न वहां जाकर के, ये लोग मत है तो ये उस धन के द्वारा दो मठ बनाएंगे, दो हैं तो 4 बनाएंगे, 4 हैं तो 8 मठ बनाएंगे, सिर्फ भक्ति केंद्र लिखेंगे। इस प्रकार से महाराज जी ऐसे पर विद्वान हैं जो भाई हमारे पूरे सब जगह है महापुरुष वाणी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मैं इनके चरण पुण्य प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को भी समझ देता हूँ प्रभु जी बहुत अच्छी अच्छी बात बताए, इसलिए प्रभु जी बड़ी अच्छी अच्छी कथा सुनाएंगे अभी हमारे से सुंदर गोपाल प्रभु प्यास पूजा को उपलब्ध है गुरु तत्व प्यास पूजा इससे उपलब्ध है प्रभु जी कुछ आपको अच्छी अच्छी बात सुंदर गोपाल ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदा तत्पश्चात नित्य लभ्य विष्णु विष्णुपाद श्रोत्र शचीशमशील भक्ति विदाशील स्वामी महाराज जी के चरणों में पूज्यपाद भक्ति विदाशील श्रीधर महाराज जी के चरणों में ओम प्रकाश ब्रजवासी जी सब वैष्णव वैष्णवी मंडली सबको मेरा प्रणाम स्वीकार हो हरे कृष्ण। एक साधक के लिए जैसे अभी चतुर्मास चालू हुआ, चतुर्मास चालू भी कहां से होता है गुरु पूर्णिमा से, तो एक साधक के जीवन में जो भक्ति का सबसे पहला अंग है वो क्या है आदव गुरु पद आश्रय, कि पहले गुरुदेव के चरणों में आश्रय ग्रहण करना। भाई लोग हैं आप पीछे क्यों बैठे हो, दुनिया आगे जाना चाहते हैं आप पीछे जा रहे हैं, पीछे आएंगे पीछे बैठे तो आगे आगे आना जागत में पड़ा हुआ और आगे आ जाना। तो हम लोगों ने गुरु पूर्णिमा से हमारा चतुर्मास चालू होता है। अब देखो गुरु पूर्णिमा के बाद ही क्रम से देखो, गुरु पूर्णिमा आई उसके बाद क्या आता है, फिर वैष्णव की कृपा मिलेगी, श्रील रूप गोस्वामी जी की तिथि आती है रूपानुप वैष्णव, हम लोग सब रूपानुप बनने के लिए आए हैं, फिर आता है बलदेव पूर्णिमा बलराम जी की कृपा मिलती है, फिर आता है आगे कृष्ण जन्माष्टमी राधा अष्टमी फिर कार्तिक और कार्तिक में फिर भगवान की रासलीला होती है। तो ये जो पूरा क्रम है गुरु पूर्णिमा से आरंभ करके एक साधक का जो जीवन में जो उसकी सबसे महत्वपूर्ण तिथि है साधक के लिए वो कौन सी तिथि मानी गई है गुरु पूर्णिमा, जिस दिन वो अपने गुरुदेव की पूजा करता है। तो महाराज जी से भी हम सुन रहे थे व्यास पूजा का अर्थ,
तो हमारे गुरुदेव एक बात बोलते थे कि एक आचार्य हुए हमारे शिला भक्ति कुमुद संत गोसाई महाराज जी। अब प्राय नियम है कि गुरु पूर्णिमा के दिन लोग क्या करते हैं, एक थाली सजाते हैं, थाली में कुछ फूल भी रखेंगे, कुछ अगरबत्ती रखेंगे, कुछ दिया दीप आदि रखेंगे, कुछ प्रणामी रखेंगे और गुरुदेव की आरती उतार के उनको कुछ ना कुछ भेंट देके सोचते हैं कि हमारी गुरु पूर्णिमा करना आज सार्थक हुआ, हम तो गुरु पूजा करके आ गए। लेकिन वास्तविक गुरु पूजा क्या है? तो हमारे गुरुदेव बोलते थे कि वास्तविक गुरु पूजा क्या है कि गुरुदेव के चरणों में अपने हृदय रूपी पुष्प को अर्पित करना ही वास्तविक गुरु पूजा है। ये वास्तविक गुरु पूजा है। इसलिए एक बारी एक उपाख्यान आता है, एक व्यक्ति अपने गुरुदेव के पास गया, बोला गुरुदेव कल व्यास पूजा में आपको क्या दूं? गुरुदेव ने बोला तेरे घर में जो सबसे निकृष्ट वस्तु है तू वो मुझे लाके दे दियो। अब अपने घर पे आया, अब घर पे आके देख रहा है कि सबसे खराब वस्तु क्या है। देखा घर में एक बड़ा गंदा सा कपड़ा है, पूरी मिट्टी हो रही है, चारों तरफ से गंदा है, मैला है। उसको उठा के रख लिया कि सुबह गुरुदेव को जाके क्या देना है, जो घर में सबसे निकृष्ट वस्तु है वो देना है, तो इस कपड़े को जाके दे दूंगा। अब जब सुबह शौच करने के लिए गया, जैसे ही मल त्यागा तो देखा अरे भाई ये तो और भी निकृष्ट वस्तु है। तो गुरुदेव ने क्या बोला था, क्या लाके देना, जो सबसे निकृष्ट वस्तु है। तो जैसे ही मल को देखने लगा तो मल ने बोला अरे भाई मैं तो रात को कचौड़ी थी, सुबह मल बन गई तेरे पेट में जाके, तो सबसे निकृष्ट वस्तु क्या हुई, हमारा मनुष्य शरीर ही, जिसके शरीर में हमारे शरीर के देखो तो हर अंग में से क्या निकलता है, दुर्गंध ही निकलती है। कोई भी शरीर का एक ऐसा छिद्र है जहां से सुगंध निकलती हो, नहीं दुर्गंध ही निकलती है। तब उसको समझ में आया कि गुरुदेव को क्या चाहिए। हमारे गुरुदेव बोलते थे कि तुम मुझे केवल अपने कान दे दो। क्या बोलते थे गुरुदेव, कि केवल तुम मुझे अपने कान दे दो, मुझे तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए, केवल अपने कर्ण मुझे दे दो। गुरुदेव जहां पे भी जाते थे हरि कथा होती थी। कई लोग क्या होता था, गुरुदेव की हरि कथा है, अब जिसने प्रोग्राम आयोजित किया है 500-700 लोग आए हैं, उसके बाद समय ही कहां है वो हरि कथा सुनने का, पूरे मैनेजमेंट में लगा हुआ है प्रसाद, लोगों का आना रुकना सारा कुछ। तो गुरुदेव उसको डांटते थे, बोलते थे मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ, मैं तुम्हें केवल हरि कथा सुनाने के लिए ही आया हूँ। और किसी भी प्रोग्राम में कहीं पे भी गुरुदेव जाते थे, जब गुरुदेव कथा कर रहे हैं तो कहीं पे कोई भी कुछ नहीं करेगा, सब लोग बैठ के केवल क्या करेंगे, केवल हरि कथा सुनेंगे। एक बार एक भक्त थे, उनके अंदर सेवा की वृत्ति बहुत ज्यादा जाग गई। गुरुदेव गए हैं परिक्रमा करने, हमारी 84 कोस परिक्रमा होती है ना, वो पीछे रुक गया सेवा करने के लिए। जब वो पीछे रसोई में सेवा करने के लिए रुक गया, जब गुरुदेव आए तो गुरुदेव ने उसको खींच के थप्पड़ मारा, बोले यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं वहां पे कथा कर रहा हूँ, तुम यहाँ पे सब्जी काट रहे हो। बोला मैं तो सेवा कर रहा हूँ। गुरुदेव बोले ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी सेवा क्या है, जब मैं हरि कथा कर रहा हूँ तो उस समय कोई सेवा नहीं करनी। यहाँ तक कि हमारे कुछ बड़े बड़े ऐसे सन्यासी वर्ग थे, बड़े बड़े पुराने ब्रह्मचारी, गुरुदेव गोवर्धन मठ में कार्तिक में कथा कर रहे थे और वो परिक्रमा करने चले गए। जब वापस आए तो गुरुदेव ने उनको इतना डांटा, महाराज जी सुनाएंगे कितना डांटते थे। गुरुदेव बोलते थे नहीं, कि मुझे तुमसे केवल क्या चाहिए, तुम अपने क्या मुझे दे दो, केवल कान मुझे दे दो, जिससे मैं तुम्हारा जो कलुषित हृदय है उसके अंदर हरि कथा सुना सुना के क्या करूंगा, तुम्हारे हृदय को साफ करके उसके अंदर राधा कृष्ण को बिठा दूंगा। यही एकमात्र सदगुरु का प्रयोजन होता है। सदगुरु को हमसे और किसी वस्तु का लालच नहीं होता है। तो हमारे जो गुरुदेव है, हम लोग बहुत सौभाग्यवान है कि हम एक ऐसी गौड़िया परंपरा में आए हैं जिसमें हमें गुरुदेव ने सिद्धांतों की क्लैरिटीज दी है। और अगर आप देखोगे हमारे जितने भी गुरुवर्ग हुए हैं, उन सबके जीवन में अगर आप वैराग्य देखोगे, उन सबके जीवन में आप सिंप्लिसिटी देखोगे। अभी जैसे प्रभु जी महाराज जी की भागवत कथा का बता रहे थे तो मुझे स्मरण आया, 2013 की बात है जहां तक मुझे स्मरण है, मैंने महाराज जी को फोन किया, हम भुवनेश्वर में प्रचार कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे आपसे भागवत करवानी है। अब स्वाभाविक बात है, अगर कोई भी भागवत कराने का सोचेगा सबसे पहले मन में क्या आएगा, कि कितना खर्चा लगना है। तो मैंने महाराज जी से पूछा, महाराज जी कितना खर्चा लगता है, तो महाराज जी बोले नहीं नहीं, तुम तो वहां पे भागवत करो और मैं खर्चे की तुम चिंता मत करो, तुम बस वहां पे कथा के लोगों को एकत्रित कर दो, खर्चे का तुमने सोचना नहीं है। अब महाराज जी के आने की जो टिकट थी वो भी महाराज जी ने बुक करी, महाराज जी के साथ कुछ गाने बजाने वाले आते थे वो भी 7-8 हजार रुपए लेते थे, वो भी महाराज जी उनको अपनी तरफ से लेके आए। महाराज जी को हम प्रणामी क्या देंगे, जब पूरी कथा खत्म हुई महाराज जी के पास जितनी प्रणामी आई थी वो भी हमें देके चले गए, ये लो तुम इस प्रणामी को तुम रखो क्योंकि तुमने कथा करवाई है तो तुम्हारा खर्चा हुआ होगा। और जो महाराज जी के साथ गाने बजाने वाले आए तो उनको भी महाराज जी ने अपनी जेब से ही पैसा दिया और महाराज जी गए भी तो वापस अपने ही खर्चे से गए। मैंने कहा ये तो बढ़िया, हम तो हर महीने भागवत कराएंगे फिर। तो महाराज जी का स्टार्टिंग से देखा कि महाराज जी के अंदर कभी भी, जैसे भागवत महाराज जी ने मुझे बोला
मैंने महाराज जी को बोला, महाराज जी बड़ोद में एक पास में ही गांव है जहाँ पे महाराज जी का प्रचार है, वहां के लोग कथा के लिए बुला रहे हैं, तो उनको मैं क्या बोलूं? तो महाराज जी बोले कि हमें गुरु जी बोलते थे कभी भी खबरदार भागवत के लिए कभी किसी से पैसा नहीं मांगना चाहिए। लेकिन महाराज जी बोले कि देखो भागवत के लिए कभी पैसा नहीं मांगना चाहिए, लेकिन अगर वो बोले कि गाने बजाने वाले लेके आना तो उनका पैसा उनको बोल देना कि कितना देना है। तो मेरी पहली भागवत कथा थी, उन्होंने बोला भागवत करानी है, मैंने कहा नहीं हम तो कुछ लेते नहीं, हमारे गुरु जी ने मना करा है भागवत के लिए कभी धन मांगना नहीं, हाँ अगर आप गाने बजाने वाले को बुलाओगे तो वो 7,000 रुपए लेता है। पहली कथा 7 दिन की पूरी खत्म हो गई। जब 7वें दिन कथा खत्म हुई, उन्होंने जो बजाने वाला था उसको तो दी 7,000 रुपए प्रणामी, और मैं कथा करने वाला मुझे दी 500 रुपए प्रणामी। तो मैंने, वो मुझे बोल रहे हैं कि अरे 7,000 तो कम मिले, कम से कम 8,000 तो दिलाओ। मैंने कहा भाई मेरे को तो केवल 500 ही मिले हैं। तो महाराज जी का स्टार्टिंग से देखा कि महाराज जी उसमें पूर्ण प्रतिष्ठित, यहाँ तक कि महाराज जी जब कभी हॉलैंड कहीं पे प्रचार करने जाते हैं, कनेक्टिंग फ्लाइट होती है 8 घंटे 10 घंटे महाराज जी को एयरपोर्ट पे बैठे रहना पड़ता है। अब बाहर विदेश में पानी की बोतल बहुत महंगी आती है, 250-300 रुपए की पानी की बोतल आती है। अब महाराज जी वहां पे बैठे रहेंगे कि जब तक कोई भक्त लेने नहीं आएगा वहां गंतव्य स्थान पे नहीं पहुंचूंगा, उसी घर पे पानी पीऊंगा, मैं क्यों 300 रुपए या 200 रुपए की पानी की बोतल का खर्च करूं। तो महाराज जी का स्टार्टिंग से देखा इतना सरल में जीवन, इतना सरल में जीवन, इसलिए हमारा जो दिल है स्टार्टिंग से ही महाराज जी को जब से देखा उनके प्रति आकृष्ट होने लगा। मुझे आज तक याद है महाराज जी दिल्ली में संन्यास लेने के लिए आए थे हमारे गुरुदेव से, जिस दिन महाराज जी संन्यास लेने के लिए आए थे तो महाराज जी ने क्या कथा मुझे सुनाई थी मुझे वो भी याद है, लंबा विषय हो जाएगा। लेकिन संन्यास लेने के अगले दिन महाराज जी जब वापस वृंदावन पहुंचे तो मैं भी वृंदावन गया, गोवर्धन गए थे हम परिक्रमा करने, वहां से वृंदावन गए तो मैंने देखा अब तो महाराज जी सन्यासी हो गए। तो मन में ये था कि अभी तो रसानंद प्रभु थे और अगले दिन ही सन्यासी हो गए। तो मन में एक धारणा होती है कि जो सन्यासी होते हैं वो बड़े बड़े आसन पे बैठते हैं, बड़ा हाथ में डंडा होता है, साथ में बहुत सारे सेवक होते हैं। जब मैं अगले दिन रूप सनातन पहुंचा तो हम वहां पे प्रसाद पाने के बाद आपने देखा होगा हाथ धोते हैं बाथरूम वाली जगह, तो मैंने देखा महाराज जी वहां पे खड़े होकर वाइपर मार रहे हैं बाथरूम के बाहर। मैंने कहा ये कैसा सन्यास है, अभी तो कल उन्होंने सन्यास लिया और यहाँ पे खुद आज वाइपर से पानी साफ कर रहे हैं। तो महाराज जी को स्टार्टिंग से जब से हम देखते हुए आए, यहाँ तक कि मुझे और भी एक बात स्मरण आ रही है, जब हमारे गुरुदेव अप्रकट हुए थे 2010 दिसंबर में, 2011 फिर जो अगली नवदीप परिक्रमा थी, मैंने महाराज जी को बोला कि महाराज जी मुझे नवदीप परिक्रमा के बाद आपके साथ जगन्नाथ पुरी जाना है। 3,000 या 4,000 रुपए की बस की टिकट थी, वहां पे खाना पीना रहना सब कुछ मिला के, उस समय मैं MBA कर रहा था। मैंने कहा महाराज जी, मैंने भी बोला नहीं कि मैं पैसे दूंगा या नहीं दूंगा, महाराज जी खुद ही बोले कि तुम तो पढ़ते हो तुम तो पैसे दे नहीं पाओगे, कुछ नहीं होता हमारे साथ ऐसे ही चल लेना। तो इससे पहले मैं कुछ बोलता महाराज जी ने बोला ऐसे ही चल लेना, मैंने कहा ठीक है मैं क्यों बोलूं, जो फ्री में लेके जा रहे तो चलते हैं। तो महाराज जी के साथ जब बस में बैठे तो बस पूरी फुल है, अब सब लोग कैबिन में बैठे हैं, अब कैबिन भी पूरा फुल है। तो कैबिन के बाद क्या होता है, जब कैबिन में सीटें भर जाती है वो जो गियर बॉक्स होते हैं ना, गियर बॉक्स के ऊपर भी एक व्यक्ति बैठ जाता है। महाराज जी ने बोला इसके ऊपर बैठ जाओ, मैंने कहा ये क्या बात हुई, उससे अच्छा पैसे ही मांग लेते, अब और कोई ऑप्शन भी नहीं था, करना तो करना कि गियर बॉक्स में बैठो। तो मैं गियर बॉक्स में बैठा और महाराज जी बिल्कुल मेरे साथ में ही, जो सारे ब्रह्मचारी होते हैं उन्हीं के साथ में ही बैठे थे। आधा एक घंटा हुआ होगा, महाराज जी बोले अब तुम्हें गर्मी लग रही होगी अब तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं गियर बॉक्स में बैठ जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मेरे को तो कोई अपनी सीट देगा नहीं, महाराज जी यहाँ बैठे हैं इनको देख के कोई ना कोई अपनी सीट दे देगा, मेरे को क्या पड़ा फर्क पड़ी है। तो मैं बैठ गया सीट में, महाराज जी बैठ गए गियर बॉक्स में। तो मैंने देखा कि महाराज जी का स्टार्टिंग से, मतलब जब से मैं महाराज जी को देखता आया हूँ, महाराज जी की हर क्रिया में, यहाँ तक कि हमारी जब परिक्रमा होती है, कार्तिक परिक्रमा आरंभ होने से पहले हमारी मथुरा परिक्रमा होती है, अगर आपको स्मरण हो, वो 5 या 6 दिन की होती है। तो जितने भी विदेशी लोग हैं वो आके वृंदावन में रुक जाते हैं, वृंदावन में रुकने के बाद मथुरा परिक्रमा यहाँ से रोज अपने ऑटो से खर्चे से जाते हैं वापस, फिर वृंदावन ही आके रुकते हैं। अब महाराज जी को क्या पड़ी है, लेकिन महाराज जी खुद सबसे पहले मंगल आरती के बाद जाके खड़े हो जाते हैं, अपने सब ब्रह्मचारियों को भेजते थे फटाफट जाओ ये विदेशी लोग हैं इनको ऑटो वाले लूट लेंगे, इनको लूटने नहीं देना, और सबको ऑटो में एक एक करके बिठाते हैं, जब सब चले जाएंगे फिर आखिरी में महाराज जी बैठते थे कि उनका मैं 1 रुपया भी बर्बाद नहीं होने दूंगा। तो महाराज जी के इतने सारे ऐसे स्वाभाविक जो हमने देखा, जो उनका इतना सरल में जीवन है, आज की डेट में आपको बड़े बड़े कथा करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि जैसा महाराज जी का आचरण मैंने देखा, ऐसा भूतो ना भविष्यति, जो हम शास्त्रों में सुनते हैं उससे भी एक कदम आगे ही मैंने महाराज जी की सरलता देखी है। इसलिए ही हमारा जो मन है स्टार्टिंग से ही महाराज जी के प्रति आकृष्ट हुआ, और मैं तो ये सौभाग्य मानता हूँ कि गुरुदेव के जाने के बाद हमें महाराज जी का संग प्राप्त हुआ, कि जिनके संग में रहते हुए हमें बार बार गुरुदेव की स्मृति बनी रहती है, आज गुरुदेव की सेवा का जितना भी उत्साह है वो हमें महाराज जी ने दिया। आप देखो कि कोई बड़े से बड़ा भागवत वक्ता भी हो वो अपने शिष्य को भी माइक नहीं देता,
उसको डर लगता है कि नहीं अगर इनको माइक दूंगा तो इनके पास लोग कथा सुनेंगे। लेकिन केवल हमारे पूरे गौड़िया मठ में केवल हमारे महाराज जी ऐसे हैं जो आए आए नए नए बच्चों को भी सबको प्रेरित करके क्या करते हैं, नहीं कथा करना सीखो, कथा करना सीखो, और सबको माइक देते हैं कि सब क्या करे, कथा करना सीखे। तो हम लोग बहुत सौभाग्यवान है क्योंकि हमारे श्रील वामन गोसाई महाराज जी बोलते थे वैष्णवता ही सरलता का दूसरा नाम है। तो जो सरल होता है वो ही वास्तविक में शुद्ध वैष्णव होता है। तो इसी के साथ में वाणी को विश्राम देता हूँ। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अभी जो महाराज जी के साथ में सेवक है तो हम सब चाहेंगे कि सब एक एक करके महाराज जी के चरणों में कुछ पुष्पांजलि दे। सबसे पहले राहुल प्रभु आप आ जाओ, वो आने कर रहे हैं इसलिए आपको बोला। फिर श्यामानंद प्रभु, इधर ही है ठाकुर जी, ठाकुर जी है। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपम सागर जातम सहगना रघुनाथन्वितम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजना सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पदां सहगना ललिता श्री शाखंडितांश वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी लोग एक बार बोलेंगे दोस्त, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अपने गुरु महाकर्मों श्री भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात श्री परम गुरुदेव श्री भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात श्री भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोसाई महाराज परम गुरु महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन हो। तत्पश्चात श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। सब पार्षद प्रभुपाद जयुक्त हो। यहाँ उपस्थित पूज्यपाद ओम प्रकाश ब्रजवासी प्रभु जी उनके चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन। पूज्यपाद सुंदर गोपाल प्रभु जी के चरणों में मैं अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। आप सभी भक्तों के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आज हम व्यास पूजा मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं? व्यास पूजा। जैसा कि अभी हमने सुना कि व्यास पूजा तो व्यास जी को रिप्रेजेंट करती है, वेद व्यास जी जिन्होंने वेदों को विस्तार किया। लेकिन हम फिर गुरु पूजा के दिन व्यास पूजा क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि हमारे गुरुवर्ग क्या करते हैं, वेदों का विस्तार करते हैं। जिस प्रकार से वेद व्यास जी ने एक वेद को चार वेदों के अंदर प्रकाशित किया हमारे सामने। अब कैसे करते हैं, जैसे कि उदाहरण वेद व्यास जी ने चार वेदों को प्रकाशित किया ना, उसी प्रकार से अभी देखो हमारे श्रील परम गुरुदेव भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, उन्होंने कितने ग्रंथों का जो बंगला में थी पहले हिंदी में नहीं थी उनको प्रकाशित किया। जैसे श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी की बृहद भागवतम प्रथम ले लो, और हमारी भागवतम का उसको हिंदी अनुवाद किया, और बहुत सारी ग्रंथ है, बहुत सारी ग्रंथ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की माधुरी कादंबिनी ले लो। इस प्रकार की सारी जो ग्रंथ है हमारे गौड़ीय वैष्णवों की, उन सबको हम सभी के लिए क्या किया, सरल सरल भाषा में हिंदी भाषा में क्या किया, विस्तार कर दिया ताकि हम लोगों का भी कल्याण हो सके। वेद व्यास जी जगत के अंदर क्यों आए थे, सभी जीवों का कल्याण करने के लिए आए थे। क्यों? क्योंकि पहले इतनी बुद्धि हुआ करती थी लोगों के अंदर कि मैंने कुछ वस्तु बोली, किसी ने सुनी और उसने वैसे के वैसे स्मरण कर लिया, याद कर लिया। इसीलिए दो प्रकार के शास्त्र है ना, श्रुति और स्मृति। श्रुति शास्त्र क्या है, गुरु जी ने बोला
मेरे को कंटस्ट हो गया वो चीज। तो पहले यही की यही बात यही प्रणाली चलती थी, पहले कोई लिखे हुए नहीं थे वेद कहीं पर, लेकिन वेद व्यास जी ने क्या किया, उनको लिपिबद्ध किया, क्योंकि जानते थे कि कलयुग के जो जीव है उनकी बुद्धि कैसी है, मंद सुअति मंद, मंद से भी ज्यादा मंद कलयुग के जीवों की बुद्धि है, इसीलिए उन्होंने क्या किया, वेदों को लिपिबद्ध कर दिया। आज हम व्यास पूजा मना रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हम वेद व्यास जी की जो पूजा है, व्यास पूजा है, वो क्यों मनाए, क्यों मनाए, हमारा उन्होंने क्या किया है हमारे साथ। बोला हमारा सबका, इस जगत के जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग, जितने भी जीव हैं, सब ही वेद व्यास जी के ऋणी हैं। बोला कैसे ऋणी है वेद व्यास जी के सभी लोग, क्योंकि आप देखिए आज आप बीमार पड़ते हैं तो आप आयुर्वेद में से देखते हैं ना कि अरे गला खराब हो गया तो गर्म पानी के गरारे कर लो, हल्दी का हल्दी अदरक खा लो, इस प्रकार की जो आयुर्वेदिक बहुत सारी मेडिसिन है, औषधियां हैं, वो आयुर्वेद कहां से आया, कहां से आया, शास्त्रों में ही से तो आया, और शास्त्र किसने लिखे, वेद व्यास जी ने लिखे हैं। कोई व्यक्ति कर्मकांडी है, वो यज्ञ इत्यादि करता है, अपना घर यज्ञ इत्यादि करके चलाता है, वो कर्मकांड के जो भी मंत्र है, वैदिक मंत्र है, विधियां है, निषेध है, वो कहां पे लिखे हुए हैं, कहां लिखे हुए हैं बताइए, शास्त्रों में तो लिखे हुए हैं। कोई मना कर सकता है कि मैं शास्त्रों को पढ़ के नहीं, मैं तो अलग मंत्र बनाए हैं उनसे मैं जो है यज्ञ होम इत्यादि करता हूं, बोल सकता है, कोई भी नहीं बोल सकता। हर प्रकार की वस्तु, अगर आप साइंस भी ले लीजिए, रॉकेट साइंस हो गई या फिर कोई सी भी साइंस, सब कुछ हमारे शास्त्रों में पहले से ही लिखा हुआ है। तो आजकल के जो मॉडर्न लोग हैं वो केवल क्या करते हैं, वो आप क्या सोचते हैं, अरे शास्त्र वास्त्र क्या है, ये सब पुरानी चीजें हैं, अब इन सब चीजों का बोलबाला नहीं है, अब तो केवल साइंस चलेगी, साइंस के अलावा कुछ नहीं चलेगा। लेकिन वो ये नहीं जानते कि वेस्टर्न कल्चर के जो लोग हैं, विदेशी लोग हैं, उन्होंने हमारे ही शास्त्रों को, संस्कृत के शास्त्रों को अपने देश में लेकर गए, उनको डिकोड किया, उन्हीं से पढ़ा लिखा, सारी टेक्नोलॉजी जो है कहां पे दी, हमारे को दे दी, हमारा ही ज्ञान हमारे को ही दे दिया। इसीलिए श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी कहते हैं कि जो विदेशी लोग हैं, मॉडर्न साइंस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न वर्ल्ड के जो लोग हैं, विदेशी लोग हैं, वो केवल इतना सा प्रशंसा प्राप्त कर सकते हैं कि हम वेद शास्त्रों को भारत से लेकर आए और उनको हमने पढ़ लिख कर चीजें बनाई और लोगों को दी। वो स्वयं खुद से उन्होंने कुछ किसी चीज की रचना नहीं की, इसीलिए ये बात बोलते हैं। लेकिन अब यहां पर देखो, वेदों के बारे में क्या बोला जाता है, वो कल्पतरु है, क्या है, जो जिस प्रकार की कामना से वेदों को पढ़ेगा उसको वो वस्तु प्राप्त होगी। अगर हम भोग की कामना से पढ़ेंगे तो हमें भोग इत्यादि के रास्ते मिल जाएंगे, अगर हम भक्ति चाहेंगे, भक्ति के इच्छा से पढ़ेंगे तो हमें भक्ति मिल जाएगी, साइंस से टेक्नोलॉजी में डेवलप करना चाहते हैं तो उससे हम पढ़ेंगे तो हमारे को वो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वास्तविक वस्तु जो वेदों से ग्रहण करने योग्य है वो क्या है, ये प्रश्न उठता है, क्या है। बोला कि एकमात्र भगवान कृष्ण की भक्ति, उनके चरण कमलों की जो भक्ति है, वो ही वेदों से प्राप्त करने की वस्तु है, जिससे ही हम क्या कर सकते हैं, सदैव के लिए शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। परंतु अब यहां पर एक चीज है कि जैसे कि विदेशी लोग हमारे शास्त्रों को अपने देश में लेकर गए, फिर उनको पढ़ा लिखा और हमारे को ज्ञान देने लगे, लेकिन क्या वेदों ने उनकी वंचना की या उनको वास्तविक वस्तु प्रदान की, प्रश्न उठता है, बताइए आप लोग, वंचना की है उनकी या फिर उनको वास्तविक वस्तु उन्होंने प्राप्त की है। ये टेक्नोलॉजी, ये बड़े बड़े आर्किटेक्चर घर बना लेना या फिर कोई मशीन बना देना, क्या ये वास्तविकता में वेदों की प्रतिपाद्य वस्तु है, क्या ये सर्वश्रेष्ठ वस्तु है वेदों के द्वारा लेने के योग्य, बोला नहीं है। और बाहर के लोग तो छोड़ो, स्वयं खुद से अगर कोई व्यक्ति वेद इत्यादि को पढ़ेगा तो उसकी भी यही गति होगी, क्यों, क्योंकि बीच में जो एक मिसिंग लिंक है उसको वो मिस कर चुके हैं। वो क्या चीज है बताइए, एक मिसिंग लिंक है, अगर वो नहीं है तो वेद आपको वास्तविक सर्वश्रेष्ठ वस्तु जो है वो कभी भी देंगे नहीं। क्या है,
गुरु, गुरु पदाश्रय। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी जी ने भी बताया कि सबसे पहले क्या, गुरु पदाश्रय करो, सबसे पहले गुरु पदाश्रय करो। गुरु पदाश्रय नहीं करेंगे तो हमारा एकमात्र वेद शास्त्र क्या करेंगे, वंचना ही करेंगे। गुरु पदाश्रय करने के बाद हमारे को गुरु ही बताएंगे कि वेदों में से वास्तविक वस्तु हमारे को क्या है जो हम ले सकते हैं, जिससे हम परम शांति की प्राप्ति कर सकते हैं, और वो क्या है, एकमात्र कृष्ण भक्ति। और कलयुग के जीव तो इतने अधम है, इतने अधम है कि कृष्ण भक्ति में भी इतने सारे अंग है, लेकिन हमारे गुरु महाराज जी यहाँ पर आए हैं, वैष्णव लोग यहाँ पर आते हैं, और सबसे जो एकमात्र सार रूपी जो वस्तु है, जैसे कहते हैं कि आपके हाथ में एक गिलास जूस पकड़ा दे सीधा, अगर फल देंगे तो छिलका उतारो गुठली निकालो ऐसा होता है ना, लेकिन उसका डायरेक्ट आपके हाथ में क्या दे दें, जूस दे दें, तो वो जूस क्या है ऐसा मान लीजिए, क्या है, बोलो भगवान का नाम। इसीलिए कलयुग के अंदर एक बात बोलिए, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। क्यों, क्योंकि भाई कलयुगी जीवों का अधिकार ही नहीं है इतना कि वो खुद से वेद इत्यादि पढ़े और शास्त्र इत्यादि पढ़े और इस सार को जो है ग्रहण कर ले। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी यहां पर आए हैं आप सभी को सार वस्तु देने के लिए, और वो है भगवान का नाम। एक बार सभी लोग हाथ उठा के बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार हम द्विज प्रभु जी के पास गए थे, द्विज प्रभु जी जो है पूज्य पाठ श्री भक्ति राम नारायण गोसाई महाराज जी के बहुत ही अच्छे सेवक थे, तो उन्होंने बताया था हमारे गुरु महाराज जी के बारे में, क्योंकि गुरु महाराज जी के साथ वो अधिकतर रहा करते थे। उन्होंने बताया कि जैसे अभी प्रभु जी बहुत महिमा गान कर रहे थे गुरु जी की, गुरु जी कितने सरल है ना, तो उन्होंने बताया कि देखिए गुरु महाराज जी कैसे हैं कि संस्कृत में वो कौन है, विद्वान है। गुरु जी कौन है, संस्कृत के पूर्ण विद्वान है। और उन्होंने बताया कि जब रात में सब सो जाते थे, सब लोग जब सो जाते थे रूप सनातन गौड़ी मठ में, तो गुरु जी क्या करते थे, वहां के टॉयलेट्स तक साफ करते थे संन्यास के बाद में। तो इस प्रकार से जो गुरुदेव है हमारे, उनकी सरलता है। और प्रभु जी ने आपको बहुत सारी महिमा सुनाई गुरुदेव की, और गुरुदेव यहाँ पर एकमात्र आपसे कुछ भी वस्तु लेने के लिए नहीं आए हैं, एकमात्र वो क्या चाहते हैं कि आप लोग जो वो वस्तु देने आए हैं उसको ग्रहण करें और अपने जीवन को सार्थक करें। यही बोल के अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। पांचा कल्पतरु वंश के वासी के लिए पति का नाम पावन। एक बात और बताना चाहूंगा, महाराज जी को गुरुदेव ने शिला रूप सनातन गौड़िया मठ में मठ अध्यक्ष के रूप में वहां पे बोला था, तो मठ रक्षक, तो वहां पे जो पूरा रूप सनातन गौड़िया मठ है स्टार्टिंग से महाराज जी ही उस मठ का सारा देखरेख करते हैं। और उस मठ में जो सबसे छोटा कमरा है, सबसे छोटा कमरा वो किसका है, वो था हमारे महाराज जी का। वो कमरा ऐसा था कि जब महाराज जी से कोई मिलने आता था तो महाराज जी को गेट पे बैठना पड़ता था, लोग बाहर बैठते थे, अंदर कोई सोच भी नहीं सकता था कि मैं जाऊं कैसे, क्योंकि उस कमरे में दो व्यक्ति आ ही नहीं सकते हैं, एक व्यक्ति भी बड़ा मुश्किल से उसमें ऐसे घुसता है पेट अंदर करके, मैं तो घुस ही नहीं सकता खैर। तो महाराज जी इस सबसे छोटे कमरे में रहते थे, और कार्तिक में आपने देखा होगा रूप सनातन में चारों तरफ बंगाली लोग सो रहे होते हैं, तो उस समय कुछ बंगाल से जैसे हमारे ओम प्रकाश जी हैं परम गुरुदेव के शिष्य, तो ऐसे कुछ प्राचीन वैष्णव आते थे। तो महाराज जी उस समय क्या करते थे, वो एक या दो जो पुराने वैष्णव आते थे, महाराज जी कार्तिक के समय अपना कमरा भी उन्हीं को दे देते थे और खुद नाट मंदिर में आके सोते थे मठ रक्षक होके। तो ऐसी सरलता, ऐसा एक साधुमय जीवन जो हम सुनते हैं, ऐसा कहीं देखने को मिलता नहीं है। अभी हम सुनेंगे महाराज जी के चरण आश्रित श्यामानंद प्रभु जी से कुछ महिमा। ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। वर्धन हाथ उठा प्रेम से सब लोग बोलेंगे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज चरण कमल साष्टांग प्रणाम करके उनके हित कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात दोनों परम गुरु वर्ग नित लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी नित लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री भक्ति श्री रूपा सिद्धांति गोस्वामी ठाकुर चरण साष्टांग प्रणाम। उपस्थित पूज्यपाद ओम प्रकाश प्रभु पूज्यपाद श्री सुंदर गोपाल प्रभु चरण साष्टांग प्रणाम। ज्येष्ठ गुरु भ्राता वृंद श्रीकांत प्रभु समस्त वैष्णव वृंद वैष्णवी हरिकथा स्रोत मंडली सबके चरण में आदर का प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग का बड़ा ही सौभाग्य का दिन उपस्थित हुआ है। हम लोग यहाँ एकत्रित होकर के व्यास पूर्णिमा यानी गुरु पूजा को यहाँ पर मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अभी अभी प्रभु जी नाम ले रहे थे श्री श्रीमद भक्ति गोविंद संत गोस्वामी महाराज जी के बारे में। ये हमारे संप्रदाय में श्री प्रभुपाद के एक शिष्य हुए। इन्होंने बड़े सुंदर एक आर्टिकल लिखा वृत्तेर परिचय। उसमें बड़े सुंदर रूप में गुरुदेव और शिष्य का बीच का जो संबंध है उन्होंने बड़े सुंदर रूप में वर्णन किया। इसलिए वहां पर वर्णन किए कि ये जो उत्सव है व्यास पूजा का जो उत्सव है ये विशेष करके व्यास जी का तो जन्मतिथि है ही है लेकिन हमारे संप्रदाय में जो सनातन गोस्वामी पाद हैं जो छह गोस्वामी सर्वश्रेष्ठ हैं और छह गोस्वामी सबसे बड़े जो सनातन गोस्वामी जी हैं उन सनातन गोस्वामी का भी इस दिन सुबह तिरुभाव तिथि है। इसलिए श्रीमान महाप्रभु सनातन गोस्वामी को जो सनातन शिक्षा दिया था चैतन्य चरितामृत में वहां पर एक प्यार को यहाँ पर कोट करके कहते हैं जीवे स्वरूप है नित्य कृष्णेर दास कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। जिनका स्वरूप क्या है हम लोग क्या है कृष्ण का नित्य दास है हम लोग। लेकिन चलो भक्ति को संत गोस्वामी महाराज ने अपने परिचय में ये भृत्य का परिचय में इसमें लिखा बड़े सुंदर इन्होंने विचार दिया जीव का स्वरूप कृष्ण दास तो है वास्तव में सही बात है लेकिन वास्तव में जीव का स्वरूप जो कृष्ण शब्द यहाँ पर आया हुआ है बोले वो कृष्ण गोलोक में जो लीला करते हैं सखाओं के साथ लीला करते हैं बड़े सुंदर मैया यशोदा के साथ लीला करते हैं और सखियों के साथ लीला करते हैं वो कृष्ण नहीं है। वो कह रहे हैं वो कृष्ण नहीं है। बोले वो कृष्ण कौन है बोले वो कृष्ण कृष्ण रूपे गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे न भक्तगण। चैतन्य चैतन्य में बता रहे हैं कृष्ण ही जगत को कृपा करने के लिए कृष्ण ही स्वयं गुरु रूप में आते हैं। उद्धव को कहते हैं आचार्य माम बिजान्यात न अवमन्यत कैचित माम बिजान्यात आचार्य। उद्धव को कह रहे हैं कि ऐसे भगवान ने कह रहे हैं कि गुरु को मेरे जैसे मानना मेरे मेरे थोड़ा सा अंश है प्रकाश है ये सब नहीं कह रहे हैं माम बिजान्यात आचार्य मतलब मैं ही स्वयं आचार्य रूप में जगत में मेरा ही प्रकाश जगत में कृष्ण ही गोविंद देवी स्वयं कृपा करने के लिए गुरु रूप में आए हैं स्वयं भगवान ही आए हैं। इसलिए यहाँ जो जीवेक स्वरूप है नित्य कृष्ण दास ये कृष्ण कौन है लीला करने वाले कृष्ण नहीं है यहाँ पर कह रहे हैं ये वही कृष्ण है जो अनादि काल से जो जीव भटक रहे थे 84 लाख योनियों में जो भटक रहे थे उनके ऊपर कृपा करके ये कृष्ण क्या किए गुरु रूप में आए और आ करके उनको कृष्ण की सेवा प्रदान की उनको कृष्ण की सेवा प्रदान की। यद्यपि यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कृष्ण सेवा से भी सबसे जो महत्वपूर्ण सेवा है गुरु सेवा का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सेवा है। आप लोग ध्यान देकर के सुनना ये बड़ा डिफिकल्ट ये जो प्रसंग है बड़ा थोड़ा सा सेंसिटिव है अच्छे से अगर कान लेकर के सुनोगे तो आप समझ पाओगे। यहाँ पर कह रहे हैं कृष्ण सेवा से भी ज्यादा गुरु सेवा के महत्व है। बोले क्यों किस प्रकार महत्व है तो बता रहे हैं कि कृष्ण अगर सेवा करोगे तो कहीं पर कुछ गलती हो गया तो कृष्ण आकर के नहीं टोकेंगे कृष्ण आकर के नहीं समझाएंगे। जैसे हम तिलक लगा रहे हैं कंठी धारण किए हैं माला कर रहे हैं किसी दिन इच्छा हुआ तो आज माला नहीं करते चलो टांग देते कृष्ण आकर के बोलेंगे कि माला कर लो। कृष्ण को अगर भोजन भी नहीं दोगे तो ठाकुर जी बोलेंगे कोई बात नहीं
और ठाकुर जी बोल ही नहीं सकते, बोलेंगे नहीं हमको, लेकिन वही रूप में यहाँ पर प्रभुपाद के शिष्य भक्ति को संत महाराज जी कह रहे हैं गुरु रूपे कृष्ण के बारे में। जो कृष्ण जब गुरु बन करके आते हैं तो वो क्या करते हैं, सेवा की परिपाटी को ठीक ठीक रूप में हम लोगों को समझाते हैं। इसलिए कैसे सेवा करना है तो यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं, काय मन वाक्य तन मन धन देकर के गुरु जी को सेवा करना पड़ेगा भैया। आत्मसमर्पण होकर के गुरु जी को पूरा पूरा हमें क्या करना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा। जिसको प्रहलाद महाराज जी का एक श्लोक को कोटेड कर रहे हैं कि गुरु शुश्रूषया भक्ता सर्वलब्धार्पणे नच, सब कुछ अर्पण करके गुरु जी को चरण में सेवा करना पड़ेगा। धन यहाँ पर उदाहरण देते हैं, हमारे गुरु महाराज जी प्राय करके कहते हैं, शिष्य लोग कहते हैं गुरु जी ये घर आपका है, ये मकान आपका है, मैं भी आपका हूँ, ये अलमीरा भी आपका है, अलमीरा में जो कुछ पैसा गहना जवाहरात ज्वेलरी जो कुछ रखा है माल सब कुछ आपका है, लेकिन चाबी मेरा है, चाबी मेरा है नहीं। हाँ, और यहाँ पर कह रहे हैं शारीरिक सेवा मतलब जो बाक्यमय सेवा, मतलब गुरु जी के आदेश पालन करना। प्राय करके गुरु महाराज जी सुनाया करते थे, एक शिष्य था जिसको गुरुदेव गुरु चेला का कितना, गुरुदेव शिष्य को कैसे आदेश दें और शिष्य उसको कितना भाव में ग्रहण करे, इस चीज को गुरु जी स्मरण कराते हैं। बोले एक समय क्या हुआ ना, एक शिष्य गुरुदेव को पूछता है, बोले गुरुदेव मैं आपकी किस प्रकार सेवा करूं, कैसे कैसे सेवा करूं, मुझे एक लिस्ट बनाकर दे दो। गुरुदेव ने बोला दिया हाँ ठीक है, पूरा ये अमुक बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, ये सब कुछ सेवा करना, ऐसे ऐसे लिस्ट बना के दे दिए। एक समय की घटना है, गुरु शिष्य कहीं जा रहे हैं, गुरु शिष्य जा रहे हैं तो उस समय रेगिस्तान था, ऊंट के ऊपर गुरु जी बैठ गए और सारे सामान को इकट्ठा करके बैग में रख करके गुरु जी ऊपर बैठ गए और शिष्य नीचे नीचे चल चल के जा रहा है। तो इतने में सामान में से थोड़ा सा कुछ सामान गिर गया, लगेज में से कुछ सामान गिर गया, इतने में गुरु जी कहते हैं उठाओ उठाओ उठाओ, शिष्य वो पर्चा खोलने लगा, तो गुरु जी आपने तो ये बताया नहीं कि सामान गिर जाए तो उठाए, आपने तो बताया नहीं। तो गुरुदेव ने फिर देखा कि बड़ा अज्ञा है तो कोई बात नहीं, उसको फिर से लिख दिया कि ये सारी चीज तुम्हें सेवा करना है, ए टू जेड सब लिख करके दे दिया। फिर गुरु शिष्य वापिस आ रहे हैं, जब वापिस आ रहे हैं इतने में रेगिस्तान है, रेगिस्तान में कहीं ऊंट का पैर इधर उधर हो गया होगा, सामान सही सलामत है और गुरु जी गिर रहे हैं। शिष्य कह रहे हैं उठाओ उठाओ उठाओ, शिष्य को कह रहे हैं मुझे उठाओ, इतने में शिष्य कह रहा है पर्चा देख रहा है, गुरु जी इसमें तो सब कुछ लिखा है, आपका नाम तो लिखा नहीं। इसीलिए मन द्वारा सेवक मतलब आदेश पालन, काय मन और वाक्य के द्वारा जो गुरु जी के पूर्ण रूप में सेवा करते हैं, निष्कपट भाव में जो सेवा करते हैं, उनको ही क्या होता है वास्तव रूप में इस चीज को अनुभव कर पाते हैं कि जीवेर स्वरूप है नित्य और गुरुर दास। जीव का जो वास्तविक स्वरूप है वो गुरु जी का दास है, चाहे यहां से लेकर के वहां तक, थोड़ा सा डिफिकल्ट बात को यहाँ पर बता रहा हूँ, यहां से लेकर के वहां तक जीव का स्वरूप गुरु जी का ही अनुगत्यमय स्वरूप है, क्योंकि हमारे जो संप्रदाय है, हमारे जो धारा है, ये अनुगत्यमय धारा है। महाप्रभु का जो विचार है दास दासानुदासम, दास दासानुदासम मतलब हम दास के दास के दास के दास हैं भैया, जगत में मालिक बनना सब चाहते हैं, दास बनना, अरे हम दास नहीं, लेकिन यहाँ पर दास का बड़ा भारी महिमा है। यहाँ पर कह रहे हैं इसलिए कि गुरुर कृष्ण गुरु जी का जो दास होते हैं वास्तव में, जो सबसे पहले गुरु जी के चरणों में आकर के समर्पण होते हैं, गुरु जी का सेवा करना तो उस दिन से प्राप्त नहीं होता। जैसे आप सब लोग भक्त हो, प्राप्तिकारी देखे होंगे, गुरु जी से हरिनाम लिया, दीक्षा लिया, गुरु जी के मनोरंग भाव को, जो हृदय का जो भावना है, आप सब लोग पहले पहले रूप में समझ नहीं पाओगे, चाहे वो प्रसाद के माध्यम से हो, चाहे वो बपू सेवा हो, वाणी सेवा हो, किसी भी प्रकार के गुरु सेवा को आप पहले दिन गुरु जी आपको नहीं बताएंगे। ऐसा नहीं कि गुरु जी ने हरिनाम दे दिया और पहले दिन ही किसी को बता दिया कि मुझे ये पसंद है, वो पसंद है, ये नहीं, ये सारे चीज गुरु जी नहीं बताते हैं शिष्य को। लेकिन गुरु जी क्या कहते हैं, वैष्णव की सेवा करो, मठ में आया करो। गुरु जी कहते हैं मठ में जिनको जिनको हरिनाम दिए होंगे उनको प्रत्येक दिन कहे होंगे, बोले वैष्णव की सेवा करो, कैसे सेवा करो, हरि कथा सुनो, मठ में आओ प्रत्येक दिन, मंगल आरती दर्शन करो, मठ में जो हरि कथा होती है वहां पर बैठ करके कथा कीर्तन को सुनो, यानी वैष्णव का संग करो। यानी गुरु जी का हमने तो थोड़ा थोड़ा दास हुए हरिनाम दीक्षा ग्रहण करते समय,
लेकिन गुरु जी भेज दिए वैष्णव के पास। अब हम लोग क्या हुए, वैष्णव की सेवा करते 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 वैष्णव दास बने, वास्तव में वैष्णव दास बने। वैष्णव की सेवा करते 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 फिर उनके कृपा से कभी गुरु जी के चरणों में फिर से सेवा की अधिकार मिला, फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम गुरुदास बने। इसलिए देखो वैष्णव सेवा की बड़ा भारी महिमा है। एक घटना मैं सुना रहा हूँ गुरु जी के बारे में, एक बोल देता हूँ थोड़ा सा, एक घटना और मैं सुना करके मैं कथा को यहीं पर विश्राम दे दूंगा। एक घटना है कि गुरु जी किस प्रकार वैष्णव सेवा करते थे। गुरु जी जब छोटे थे, जब मठ में थे, तो सिला परम गुरुदेव जब मठ में थे तो उसी समय पर गुरुदेव बड़े सुंदर रूप में वहां पर जाकर के फूल आदि चयन करके, पुष्प चयन करके ला करके उसको माला बना करके ठाकुर के लिए माला बनाया करते थे। तो एक समय की घटना है कि कुछ वैष्णव लोग आए, जब वैष्णव लोग आए तो परम गुरुदेव ने उस माला को वैष्णव को प्रदान कर दिया। गुरु जी खुद इस बात को कहते हैं, मैंने देखा परम गुरुदेव ने जिस माला को ठाकुर के लिए बनाया था उस माला को परम गुरुदेव ने वैष्णव को प्रदान कर दिया। आप समझ रहे हो कि नहीं। तो गुरु जी बोले कि ये तो ठाकुर का माला था, आपने वैष्णव को कैसे क्यों दे दिया। तो परम गुरु जी कहते हैं कि ठाकुर तो यहाँ नित्य प्रतिदिन है, लेकिन वैष्णव जो दर्शन की सौभाग्य है, वैष्णव की सेवा की जो परिपाटी है, ठाकुर सेवा से भी ज्यादा है, क्योंकि उनके कृपा से ही ठाकुर सेवा प्राप्त हुआ है। तो उसी दिन से हमने देखा गुरु महाराज जी विशेष रूप में वैष्णव सेवा करते हैं। हमारे अभी चूल्हा आएगा, चूल्हा में रूप गोस्वामी की तिथि आएगा, तो वहां पर गुरु जी बैठते हैं स्टेज में, लेकिन उनका पूरा पूरा चिंताधारा सारे वैष्णव लोग आएंगे कैसे, वहां प्रसाद पाएंगे, जो लोग भक्त लोग यहाँ पर वहां जाते हैं परिवेशन करते हैं। गुरु जी स्वयं वहां पर दिन के 3-4 बजे तक नहीं खाए नहीं पी करके सारे वैष्णव लोग कैसे प्रसाद पाए, किसी को मिला कि नहीं, खुद जा करके वहां पूरा देखते हैं, कार्तिक में भी हो या चाहे किसी भी परिक्रमा में हो। तो जो वैष्णव सेवा होगा, हम लोग वैष्णव दास बने धीरे धीरे, फिर गुरुदेव के चरणों में आए, फिर उसके बाद भी हम देखो इस जगत में जीव गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, कोई अगर सख्य भाव में सेवा कर रहा है तो वहां नित्य धाम में जाकर के वो कृष्ण की डायरेक्ट सेवा नहीं कर सकता, वहां भी उसको गुरु जी के अनुगत्य में आकर के कृष्ण की सेवा करना पड़ेगा। कोई अगर मधुर भाव, कोई अगर बात्सल्य भाव में सेवा कर रहा है तो वहां पर भी जाकर के फिर बड़े सुंदर रूप में मैया यशोदा नंद बाबा के अनुगत्य में, उनके गुरु जी के अनुगत्य में सेवा करेगा। और हमारे जो संप्रदाय का भाव है, हम जो मधुर भाव में सेवा करते हैं, कभी ना कभी अगर हमारा उसी प्रकार का वस्तु सिद्धि होगा, स्वरूप सिद्धि होगा, स्वरूप में प्रकाशित हो गए हम लोग, तो वहां पर भी जा करके हमें गुरुदेव के अनुगत्य में ही सेवा करना पड़ेगा। जिसको जीव गोस्वामी पाद गोपाल चंपू में बड़े सुंदर श्लोक बोल रहे हैं, चिदानंदमय रस द्युति हेम समप्रभा नील वस्त्र परिधान नाना अलंकार भूषिता कुचित तुंगा पथम दुंदे गुरु रूपम सखी बंदे तो हम नमामि। यहाँ पर कह रहे हैं गुरु रूप सखी बंदे, मतलब गुरु जी उस जगत से जो आए हैं हमके वहां, यहाँ से लेकर के वहां तक, जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि हमें गुरु जी के ही अनुगत्य में रह करके सेवा करना पड़ेगा। इसलिए भक्तिवान बामन गोस्वामी महाराज को कोई पूछे कि मैं कौन हूं, तुम कृष्णदास हो, बोले आप कौन हो, बोले आमी गुरुदास। इसलिए हम लोग जीवेश स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, जो कृष्ण यहाँ पर कौन है, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे न भक्तगण। तो इसीलिए यहाँ पर जीवेश स्वरूप है नित्य गुरु जी के दास। इसलिए गुरु जी के आज व्यास पूजा हम लोग मना रहे हैं, केवल फूल माला पुष्प प्रणामी फल फूल इत्यादि देकर के आरती देने से ही तो बाह्य पूजा है, लेकिन अगर गुरु जी के मनोविष्ट को हम अगर सेवा ठीक ठीक रूप में अगर हम पालन नहीं करेंगे, गुरु जी के जो आदेश को पालन नहीं करेंगे, गुरु जी दिखाए हुए रास्ते पर हम अगर नहीं चलेंगे तो ये हमारा गुरु पूजा व्यास पूजा नहीं हुआ। इसलिए हम उनके ही चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना करते हैं, वैष्णव के चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार गंगा जल से ही गंगा जल का पूजा होता है। इसलिए हे गुरु महाराज, हे वैष्णव लोग, आप सभी हमारे ऊपर कृपा करें ताकि आपके दिखाए हुए रास्ता पर, आपके चलाए हुए पंथ पर हम लोग चल करके एक ना एक दिन वास्तव में आपके दास बन सके। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। यहाँ पे जयपुर में एक प्रभु जी थे, सब लोग जानते हैं उनको, नाम नहीं लूंगा। उन्होंने 2 दिन राय रामानंद की संवाद की कथा सुनी। अब तीसरे दिन जब वो गोविंद देव जी मंदिर में गए तो ठाकुर जी को प्रणाम ही नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा ये क्यों हो गया, ठाकुर जी को प्रणाम क्यों नहीं कर रहे। बोले आप ही तो कथा में बोल रहे थे कि ब्रजवासी इनको भगवान नहीं मानते।
तो मैं भगवान की मानूं, मैं तो ब्रजवासी भाव में आ रहा हूँ ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आंतरिक पूजा करनी है तो बाह्य पूजा ही छोड़ दें। आंतरिक पूजा तो होगी, बाह्य पूजा तो हम करते हैं। अभी श्रीकांत प्रभु आप महाराज जी के सबसे पहले शिष्य, सबसे पहले त्यागी शिष्य, जो महाराज जी के साथ इतने सालों से हर जगह भागवत कथा में जाते हैं, श्रीकांत प्रभु। अज्ञानते ब्रह्मस्य ज्ञानं जन्मस्वाते सत्यवर्गरेकं गोमतस्मस्ते गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय प्राय कृष्णाय कृष्णभक्ताय गुणभक्ताय नमः। अस्माज गुरुपादपद्मा श्री श्रीमत् श्री भक्तिवेदांत तिरुदंड स्वामी श्री भरत स्वामी गुरु महाराज का चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उपस्थित कथा पिपासु वैष्णव वैष्णवी सबका चरण में अखंडा दंडवत स्वीकार हो। अभी हमारा जो सामान्य को हमने बताया, यद्यपि शास्त्र ने बताया कृष्ण जीवे स्वरूप है कृष्ण ने नित्य दास, तभी बताया फेरे जीवे स्वरूप है गुरु नित्य दास। क्यों इसमें एक श्लोक है, यस्य देवे पराभूति यथा देवे तथा गुरु तथित कथित ह्यस्थ प्रकाशमति। इसमें दो नाम है, कृष्ण नाम है गुरु नाम है। जिसी प्रकार कृष्ण का चरण में भगवान का चरण में जिसी प्रकार भक्ति हो, उसी प्रकार भक्ति गुरु का चरण में हो तो तभी शास्त्र का जो मर्म हृदय में प्रकट होगा। श्लोक का बात नहीं बताया यहाँ पर, जो बताया इसमें कि कृष्ण है एक गुरु है। जो कृष्ण है हमारे प्रभु जी बता रहे थे, जो कृष्ण है वही गुरु है। क्योंकि एक तरह को पहले थे कृष्ण, उनका दूसरा अंग से प्रकट हुए बलदेव प्रभु अभिन्न। गुरुजी बोलते हैं नित्यानंद स्वरूप है गुरुदेव। जो हमारा लिए बलदेव प्रभु कृष्ण के लिए सेव्य हो सकते, सेवक हो सकते, कृष्ण सेवक जो सेव्य और बलदेव प्रभु सेवक, किंतु हमारा लिए दोनों ही भगवान है। यहां पर दो चीज बताया, सेव्य सेवक। भगवान है सेव्य वस्तु, गुरुदेव है सेवक, किंतु दोनों ही भगवान है। सेव्य भी भगवान कृष्ण है, सेवक भी गुरुदेव भी भगवान है। क्योंकि अभिन्न नित्यानंद अभिन्न है, दोनों को जो स्वरूप से हम प्रकाश करेंगे, जो सेवक के पास अनुगत्य हो गए, तभी हमारा सामान्य को बताया गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धा अर्पण। प्रत्येक चीज को अर्पण करने के बाद गुरु जी का संग में, उसके बाद संगे न साधु भक्त न, साधु संग में तभी भजन होगा, नहीं तो भजन नहीं हो सकता। हम लोग तो प्रभु जी बहुत चीज बताया, किंतु गीता में भगवान ने बताया किसी प्रकार गुरु जी का पास सलंग्र होना चाहिए, क्या करना चाहिए। गीता में भगवान ने बताया तद्विधि प्रणिपात न परिप्रश्न न सेवया, पहले प्रणाम करो। प्रणाम मतलब भगवान अर्जुन को बताया मर्मना भव, मन संपूर्ण भाव से जो कृष्ण का चरण दे दोगे, गुरु जी का चरण दे दोगे, दूसरे के पास मन ही नहीं रहेगा देने के लिए। जब संपूर्ण सलंग हो गए गुरु जी का चरण में, तभी भजन कर सकते। भागवत में एक श्लोक भी है, भागवत महिमा में, जब भगवान का क्या संपूर्ण सलेंडर नहीं होगा, याद नहीं आ रहा, जब सलेंडर संपूर्ण नहीं होगा, आत्मसमर्पण नहीं होगा, तदिपि परिपातन मतलब आत्मसमर्पण। जब आत्मसमर्पण नहीं करोगे गुरु जी का सलेंडर में, तभी भजन नहीं कर सकते। आत्मसमर्पण अभी हमारा प्रभु जी बहुत चीज बता दिया, चाबी काठी हमारा है,
ऐसे नहीं करना चाहिए। जिसी प्रकार आत्मसमर्पण रुक्मिणी देवी ने किया था, केवल कथा श्रवण किया साधु मुख से, कृष्ण को देखा नहीं था, एक इतनी भी देखा नहीं, किंतु कथा श्रवण करते करते उनका मन में भाव आ गया, मैं इसको पत्र रूप में ग्रहण करूंगा, ग्रहण करूंगी, तभी पत्र लिखा। ये है आत्मसमर्पण। बलि महाराज ने आत्मसमर्पण किया किंतु भाव कुछ नहीं था उनका। तीन पाद दान देने के लिए बात किया, दोनों पाद में जब 14 भुवन मापा कर दिया भगवान ने, तीसरा पाद देने के लिए नहीं था, इसीलिए सर दिखा दिया। मैं सर पर किंतु भाव कौन सा था, किंतु रुक्मिणी का भाव था। जो 5 रस का भजन करना है, शांत दास्य सच्चो वात्सल्य मधुर, जीवे का स्वरूप है जो कृष्ण नित्य दास, जो दास है 5 प्रकार है दास, संपूर्ण जब संलग्न हो गए तभी भाव आएगा, एक चीज स्वरूप होगा। जब स्वरूप नहीं आए तब वो आपका भजन का नहीं आएगा आत्मसमर्पण। गुरु जी का इसलिए बताया, गुरु जी का सलेंडर होना चाहिए, गुरु जी का दास तो ग्रहण करना पड़ेगा। जब ग्रहण करोगे तभी भजन कर सकते। उसमें बताया जो तदविधि प्रणीता था ना, परि प्रश्न से भैया प्रश्न करने के लिए हम लोग देखते हैं गुरु जी का पास बहुत लोग आते हैं। गुरु जी बेटी को 30 साल हो गया, अभी शादी नहीं हुआ, शायद कालाशन को 200 हो गया, चंडी पाठ करेंगे कि क्या करेंगे बता दो। 30 साल हो गया बेटा का, 35 साल हो गया नौकर नहीं रह रहे, 15 साल हो गया बेटे को खा रहे। इसी प्रकार प्रश्न करते, प्रश्न जिसी प्रकार सनातन गोस्वामी प्रश्न पूछा। सनातन गोस्वामी क्या ज्ञानी नहीं थे, मूर्ख थे, बहुत ज्ञानी थे, उनको क्या पता नहीं था मैं सनातन हूं, मैं एक राजा का नौकर हूं। आदर के चैतन्य महाप्रभु को पूछा, मैं कौन हूं, हमारा भी जब तक गुरु जी का चरण में प्रश्न नहीं आए, मैं कौन हूं, मेरा किसी प्रकार कल्याण होगा तब हमारा कल्याण नहीं हो सकता। मैं आज बता रहा था किसी को, जिसी प्रकार परिहित महाराज पहले भागवत में प्रश्न किया, सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, संपूर्ण भागवत सुनाने के बाद सुखदेव गोस्वामी ने पुनर्बार प्रश्न किया परिहित महाराज को, क्या समझ में आ रहा है मुझे बताया 7 दिन तक। परिहित महाराज सर हिलाया, हम लोग जैसे सवाल हिलाते थे, गुरु जी बहुत कथा पूछते, समझ नहीं आ रहे, मैं मत्था मार रहा हूं, हम लोग भी सवाल हिला देते, किंतु गुरु जी जाने के बाद याद होता हमारा। सुखदेव गोस्वामी जिसी समय सिंहासन परित्याग करके जा रहे थे, उनको भी पता था अभी सर्प आएगा, किंतु पीछे मुड़ के देखा नहीं, अभी परिचित महाराज का गति क्या होगा देखा भी नहीं, चला गए। हमारा गुरु जी भी कथा समाप्त होगा पूछ लेते, कहते समझ रहे हो, हम सर हिला देते। जब गुरु जी उसी स्थान परित्याग करके चला जाते, हम थोड़ा सा पैर पकड़ लेते, नहीं तो जब पुनर्बार गुरु पूर्णिमा आया आरती फूल माला लेकर घुमा देते। हमारा ये है गुरु पूजा नहीं, गुरु जी जो चीज को पूछा हम हाँ किया, वचन दिया गुरु जी के सामने, उसी को रक्षा करना, तिलक लगाना, पहली वतन के पहले स्टार्टिंग में मंगल आरती याद करना, मंगल आरती करना, प्रत्येक दिन तिलक लगाना, मंगल आरती करना, जो गुरु जी जो जो चीज बताया संपूर्ण आचरण करना। तद्विधि प्रणिपातन परिप्रश्न ने सेवया, तभी हमारा हृदय में ज्ञान प्रकट होगा। केवल ज्ञान रट्टा मारने से श्लोक ज्ञान नहीं है। प्रहलाद महाराज ने बताया कि ज्ञान एक है विज्ञान, विज्ञान है अनुभूति। जब गुरु जी का वाणी को हम श्रवण करेंगे, विश्वास पूर्वक आचरण करेंगे, तब भी हमारा अनुभूति होगा, नहीं तो हम रट्टा मार देंगे अजंगल प्रसंग। अपना बेटा का नाम नारायण रखा था, नारायण नारायण बोलते बोलते उद्धार हो गया, किंतु एक दिन भी नारायण नाम नहीं बोलेंगे। इसी प्रकार करने से विज्ञान अनुभूति नहीं होगा। इसलिए कृपया
मैं तो विशेष कर बोलूंगा सब वक्ता लोग अभी प्रणाम कर रहे थे, मैं उनका चरण अनंत अनंत कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। मैं तो एक बार भी दंडवत प्रणाम कर नहीं पाया, कृपा करके गुरुदेव मेरा प्रणाम को स्वीकार करे, नहीं तो मेरा सर्व उनका चरण में समर्पित है। हरे कृष्ण। ए बटन बंद कर दिया, ये भी चाहिए। तो अभी तक क्या समझ में आया, कृष्ण और गुरु दोनों समान है या अलग है? लेकिन हमारे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि दोनों को समान मानने से गुरु को छोटा मानना हो जाएगा, इसलिए वो उनसे एक कदम बड़े हैं। भगवान खुद बोलते हैं अमार हैते अमार भक्त पूजा बढ़, चैतन्य चरितमृत में आता है कि मेरे भक्त की पूजा मेरे से बड़ी है, इसलिए गुरु पूजा कृष्ण की पूजा से बड़ी है। तो अभी हमारे बीच में है, ठीक है, अनु दीदी जयपुर से। हरे कृष्णा, सब लोग प्रसाद पाके जाइएगा, उठिएगा मत। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने परम पूज्य इच्छा गुरु श्री श्री भक्ति राम श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ तथा उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मैं अपने परम पूज्य शीला भक्ति सूत सिद्धांति गोस्वामी महाराज तथा शीला भक्ति उदय नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। मेरे मेंटर हिजगिरे सुंदर गोपाल प्रभु जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। सभी सीनियर वैष्णव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप सभी को मेरा यथायोग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। जोर से बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो गुरु के बारे में हमने अभी इतना सुना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, सुनते हैं ना, जिस हरि की कथा अनंत है, उसी तरह से गुरुदेव की कथा भी अनंत है। और हर कथा से हमें क्या मिलता है, कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है। अभी जो सारा सार निकाला क्या, कि अगर हम अपनी प्राण देकर भी गुरु की सेवा करें तो भी कम है, हमारे गुरुवर ने यही दर्श दिखाया है। शीला भक्ति विदान नारायण गोस्वामी महाराज जो हमारे परम गुरुदेव हैं, उनके गुरुदेव के शिष्य थे अनंत मोहन ब्रह्मचारी, जिनको की ट्यूबरक्लोसिस हो गया थी, जो कि उस टाइम पे ऐसा डिजीज था, ठीक नहीं हो सकता था और इन्फेक्शियस तो है ही है। तो परम गुरुदेव के जो गुरुदेव हैं वो उनकी सेवा करते थे, लेकिन परम गुरुदेव ने बोला कि आप प्रचार कार्य पे ध्यान दीजिए, मैं इनकी सेवा करूंगा। वो इन्फेक्शियस डिजीज है और उसका कोई इलाज भी नहीं है। उन्होंने अपने प्राण देके उनकी सेवा की, उनको लेके गए, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और उनका पूरा सेवा किया। तो इस तरह से हमें प्राण देकर भी गुरु की सेवा करनी है। गुरुदेव के बारे में अभी बहुत कुछ हमने सुना, अब अनंत गुण है गुरुदेव के, उनमें से कुछ एक छोटा सा मैं कुछ प्रेजेंट करने की कोशिश करती हूँ। हमने सुना है कि अपनी लाइफ में बहुत सारे दुख है, सबकी लाइफ में, हम मानते नहीं है वो पता लग गया। हम इसी कोई मरना चाहता है, कोई नहीं मरना चाहता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबको क्या मिल रहा है, सुख मिल रहा है। तो इसीलिए तो जहाँ सुख मिलेगा वहीं से तो नहीं जाना चाहेंगे, हम यहाँ से जाना नहीं चाहते। भगवद गीता में भगवान ने बोला दुखालम शाश्वतम, गुरुदेव हमेशा सिखाते हैं हरि नाम करो, गोविंद की पूजा करो। ये जो अनित्य है संसार जो है दुख में है, लेकिन हमें वो समझ में नहीं आता, हम यहीं रहना चाहते हैं। वही जो अनित्य वस्तु है हमारा परिवार हमारा धन, उसी में हमें सुख मिलता है। तो इसके जो दुख है उनमें से जो मेन दुख है, हम क्या मानते हैं दुख क्या है, कि हमारा पैसा चला गया, जॉब नहीं लग रही, जैसे प्रभु जी बता रहे थे शादी नहीं हो रही बच्चे की, तो लेकिन जो मेन दुख है वो क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और उसके अलावा जो त्रिताप है, कौन कौन से है त्रिताप? हाँ, तो गुरुदेव जो है ना वो त्रय ताप विनाशा है, गुरुदेव है त्रय ताप विनाशा है, आदि दैविक आदि भौतिक और आदि आत्मिक जो दुख है उनसे भी वो हमें मुक्ति दिलाते हैं। जैसे आदि आत्मिक क्या होता है, आदि आत्मिक हम पढ़ते हैं क्या होता है, आदि आत्मिक मन के द्वारा दिया गया। तो मन के द्वारा दुख जो हमें, मन हमेशा परेशान करते हैं ना, किसी ना किसी बात को लेके कीड़े करता रहता है मन ना,
तो कैसे गुरुदेव जो है कि मन की जो दूसरे की मन की अशांति है, जो भक्तों की जो अशांति है उसको भी कैसे दूर कर देते हैं, उसका एक दृष्टांत है कि एक बार बड़ौत में जब गुरुदेव पहली बार जब कथा करने गए थे, बड़ौत में बहुत सारे जैन मंदिर है, तो पहली बार जहाँ गुरुदेव की कथा हुई थी तो वहां पे एक दीदी भी कथा सुनने आती थी, तो लेकिन वो दीदी है उनका तो कथा में रुचि था, लेकिन उनके जो पति थे वो कैसे थे, मतलब वो थोड़े डाकू प्रवृत्ति के थे, मतलब वो वैसे ही तिलक लगाते हैं, वैसे ही वेशभूषा उनका, साथ में गन रखते हमेशा। तो जिस तरह से भागवत में नाग पत्नियां प्रे करती है ना, नाग यदि वो भगवान से विमुख है तो आप क्या करो, इसको मार दो, लेकिन जब वो क्या हो जाता है, उनके सम्मुख हो जाता है, तब आप उसकी रक्षा करो। तो उसी तरह से वो दीदी भी अपने मन में है कि हे भगवान, या तो मेरे पति को भगवत विमुख बन जाए, गुरुदेव से मनी मन प्रार्थना करती थी कि आपका ऐसा आशीर्वाद हो कि या तो वो भगवत विमुख भगवत उन्मुख बन जाए, या तो फिर वो उसे ऐसे जीवन ऐसे पति को जीवन में धारण करने से क्या फायदा। लेकिन गुरुदेव उनके मन में हमेशा यही चिंता चलती रहती थी, गुरुदेव को बताया नहीं उन्होंने, लेकिन गुरुदेव क्या है, जानते हैं मन की बात। हम सोचते हैं कि हम लोग जब दिखाएंगे तभी पता चलेगा, ऐसा नहीं है, वो क्या है, इटर्नल, उनको पता है। तो गुरुदेव ने इतने सारे जो श्रोत है उनमें से उन्हीं दीदी को बुला के गुरुदेव ने बोला कि तुम अपने घर में कथा क्यों नहीं रखवाते। तो वो तैयार हो गई, घर में कथा रखवाई, वो उनके हस्बैंड और उनके बेटे बहू थे, सबने गुरुदेव की कथा सुनी। गुरुदेव ने उनके पति को समझाया कि तुम ये सब गंदा काम क्यों करते हो, क्यों भगवत भजन नहीं करते, जैसे अभी गुरुदेव बोल रहे थे गोविंद का भजन करो, हमेशा बोलते हैं। तो गुरुदेव की वाणी का ऐसा प्रभाव पड़ा उन पे कि जो हमेशा अपने साथ हथियार रखते थे वो क्या हो गए, वो वैष्णव बन गए, वो भक्त बन गए, और वो फिर अभी 100,000 नाम प्रतिदिन करते हैं, सेवा उस समय मठ में सेवा, इतना ही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। हरे दीदी जिनके बारे में बता रही है वो तो भक्त बन गए, फिर उन्होंने बोला हमारे बच्चे भक्त नहीं बन रहे, बहू और बेटा क्या करें, तो महाराज जी ने बोला ठाकुर जी का चरणामृत रोज आरओ के पानी में डाल दिया करो, 6 महीने बाद देखना, 6 महीने बाद वो बच्चे भी आ गए महाराज जी से फिर हरिनाम लेने के लिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर षट श्रीमद भक्ति विधान श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ एवं उनके हेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मैं अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर षट श्रीमद भक्ति विधान नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर षट श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु की कृपा वांछा करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवियों को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ऐसे तो हमारा कोई भी बल नहीं है कि हम गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु जी के विषय में कुछ भी बोल पाए, हम जो सुबह सुबह गुरु अष्टकम करते हैं, संसार दावा नल लीडलो का प्राण है कारुण्य घना घनत्व, अर्थात ये जो संसार है दीदी के भी शादी हुई है ना, सिंधु संसार दावे की अनुभूति हो रही है। गुरुदेव हमें बताते हैं कि जैसे संसार है ये क्या है, एक दावानल के समान है। संसार दावा नल लीढ़ लोका त्राणा या कारुण्य घरा घनत्वम, कि संसार जल तो रहा है, कैसा कि मतलब एक पत्ता दूसरे पत्ते से टच होता है वैसे ही जलने लग जाता है, लेकिन इस पर जो कृपा वर्षण करते हैं, जो वर्षा करते हैं घने घने मेघों के समान, वो कौन है, हमारे श्री गुरुदेव। प्रभु जी मैं आगे नहीं बोल पाऊंगी।
ओम अज्ञानते निरांधस्य ज्ञानार्जनशलाकया चक्षुर्विमीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वंचाकल्पतरुभश कृपासिन्धुभिः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीमद् भक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरु पाद पद ओम विष्णु पाद स्तोत्र शक्ति श्रीमद् भक्ति वेदांत लीला सुंदरजी गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि नमन प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव जैन विलाप प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जैन विलाप प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति श्लोक सिद्धांति गोस्वामी परमोदय महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि नमन प्रणाम करती हूँ। मेरे शिक्षा गुरु सुंदर गोपाल प्रभु जी और यहाँ उपस्थित सभी श्री वैष्णव वैष्णव के चरणों में मेरा यथार्थ प्रणाम हरे कृष्णा। तो आज हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम यहाँ क्या व्यास पूजा गुरु पूजा मनाने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। तो जो व्यास पूजा है वो कब है, 21 तारीख को मना चुके हैं, लेकिन जो व्यास पूजा है वो क्या है, प्रत्येक दिन करनी चाहिए व्यास पूजा गुरु पूजा। गुरु पूजा है जो क्या है, प्रत्येक दिन करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो गुरु वर्ग है वो क्या है, हमें क्या देने आए, भगवत भजन। जो हमारे गुरुदेव है वो क्या है, साधारण नहीं है, क्योंकि कहते हैं गुरु पूजा है जो प्रत्येक प्रत्येक वर्ष करनी चाहिए, है ना। तो प्रत्येक वर्ष नहीं, प्रत्येक दिन करनी चाहिए, प्रत्येक दिन में प्रत्येक क्षण करनी चाहिए, है ना। क्योंकि हमारे जो गुरुदेव है जिन्होंने क्या दिया है हमें हरिनाम, ये जो हरिनाम है ये क्या है, हमें भव सागर से पार करा सकता है। तो हमारे जो गुरुदेव है वो कैसे हैं, हम एक छोटी सी कथा के माध्यम से समझेंगे। एक बार एक गुरु और शिष्य रास्ते से जा रहे होते हैं, तो जो गुरुदेव, थोड़ी सी हवा, बहुत तेज आंधी तूफान आने लगता है, तो गुरु जी है ना अपने शिष्य को बोलते हैं कि मेरा हाथ पकड़ लो, तो वो शिष्य नहीं पकड़ता, उनसे आगे जाने लगता है। फिर गुरु जी थोड़ा सा, गुरु और शिष्य थोड़ा आगे चलते हैं, फिर बहुत तेज तूफान आने लगता है, फिर गुरु जी बोलते हैं कि तुम मेरा हाथ पकड़ लो, तो वो नहीं पकड़ता, फिर थोड़ा आगे जाने, गुरु जी से आगे जाने लगता है, फिर लास्ट में जब बहुत तेज तूफान आता है, आंधी तूफान आने लगता है, तो गुरु जी क्या करते हैं, स्वयं ही उस शिष्य का हाथ जाकर पकड़ लेते हैं। तो फिर जब गुरु जी उसका हाथ पकड़ के थोड़ा सा चलने लगते हैं, तो गुरु जी से बोलते हैं कि मैंने तुम्हें दो बार बोला कि तुम मेरा हाथ पकड़ लो, तुमने मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ा। तो वो अपने गुरु जी को बोलता है, गुरु जी अगर मैं अपने बल से, अपने आप से अपना आपका हाथ पकड़ लेता तो मुझे मेरे पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि मैं आपका हाथ पकड़ के चल पाता, किंतु आपने मुझे पकड़ाया तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे ही हमारे गुरुदेव है, जो भी हमारे गुरुदेव की शरण में जाता है, गुरुदेव प्रत्येक उससे जब भी मिलेंगे बोलेंगे कैसा है, भजन करता है, कितनी माला करता है, कथा करो, श्लोक याद करो, हमेशा हमारे जो गुरुदेव है ये बोलते हैं। गुरुदेव को हमेशा मेरी शादी की टेंशन रहती है, जब भी मतलब गुरुदेव या पापा मम्मी हम लोग कहीं भी मिलते हैं गुरुदेव से, ये बोलते हैं इसके लिए लड़का मेरा नहीं मिला, ठीक है मिल जाएगा, मतलब गुरुदेव हमेशा हर चीज में इस चीज के लिए। तो हमारे जो गुरुदेव है ये क्या है, ऐसे हैं गुरुदेव जो होते हैं वो सदगुरु होने चाहिए, है ना। गुरु भी क्या है, बहुत ठगुरु तो बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन जो चार संप्रदाय है उसके अंतर्गत ही हमें गुरु धारण करने चाहिए, क्योंकि जो गुरुदेव है वो क्या है, हमें भव सागर जो है इससे पार करा सकते हैं। और गुरुदेव हमेशा क्या बोलते हैं कि क्या करना चाहिए, भगवान का नाम करना चाहिए, और भगवान का नाम करने से हम क्या होंगे, इस भव सागर से पार हो जाएंगे। मैं इतना ही बोलकर अपनी वाणी को शांत दिवाली दीदी, हमारी जो ऑनलाइन कोर्स जुड़े हैं ना, सिर्फ
दीपाली दीदी कहाँ है? आ जाओ। हरे कृष्णा, क्या हम सब यहाँ उपस्थित हैं? हमारी यह इच्छा है कि हम मृत्यु के बाद में भगवान के धाम वृंदावन जाएंगे या नहीं जाएंगे, बोलिए। तो यहाँ चाहते बाहर कर सकते जिनके गले में तुलसी माला है वही भगवान के धाम जा सकते हैं, और जिनके गुरुद्वार नहीं है वो निश्चित रूप से वो नरक नहीं जाएंगे। इसलिए ये ऐसा अच्छा अवसर है भगवान की कृपा से हमको ये प्राप्त हुआ है कि महाप्रभु की धारा में सदगुरु हमारे उपस्थित विश्व उपस्थित है, हमें इनके द्वारा कंठी धारण करके हमें हृदय करना चाहिए। हरे कृष्णा। देखो, हमें श्रील प्रभुपाद जी वॉर्न करते हैं कि भगवान अधोक्षज वस्तु है। कौन सी वस्तु? अधोक्षज। अधोक्षज का अर्थ क्या होता है? अधोक्षज का अर्थ होता है जो हमारी इंद्रियों से परे हैं, उनके पास फुल राइट है अपने आप को हमारे पास रिवील करने का या फिर नहीं करने का। अगर वो चाहेंगे तो वो रिवील कर सकते हैं, चाहे तो रिवील नहीं कर सकते। अधोक्षज, हम कितना भी प्रयास करके अपनी इंद्रियों से भगवान को नहीं देख सकते, आंखों से कानों से उनको सुन नहीं सकते, मन की गति जो सबसे तीव्र होती है उससे भी हम भगवान को जान नहीं सकते, ना ही बुद्धि से। और वो ही शिला गुरुदेव होते हैं। गुरुदेव भी कौन है? अधोक्षज वस्तु है। लेकिन भक्ति राज्य में सबसे ज्यादा अपनी वंचना जीव तब करता है जब वो गुरु को अपने भौतिक इंद्रियों से नापने का प्रयास करता है कि मैं अपने भौतिक ज्ञान से, अपने भौतिक इंद्रियों से मैं गुरुदेव को नापूंगा कि वो कौन सी वस्तु है। नहीं, एक बारी हमारे गुरुदेव ऑस्ट्रेलिया में थे, किसी ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव मैं सदगुरु को कैसे पहचानूं? तो गुरुदेव ने बोला, अगर तुम सदगुरु को पहचानने जाओगे तो तुम्हें गुरु तो नहीं मिलेगा, कंगारू जरूर मिल जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में बहुत होते हैं। अगर तुम्हें सदगुरु को पहचानना है तो उसकी विधि है शरणागत। अगर कोई शरणागत होता है तभी जाके वो गुरुदेव को पहचान पाता है, बिना शरणागति के कोई भी गुरुदेव को नहीं पहचान पाता है। अभी हमारे बीच में महाराज जी के शरणागत शिष्य गौर सुंदर प्रभु है, जयपुर से ही है, लगते वो खैर विदेश के हैं लेकिन है जयपुर से ही। तो अभी वो कुछ महाराज जी के चरणों में पुष्पांजलि देंगे, फिर आरती और फिर प्रसाद। हरे कृष्ण। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पद्रुवैश्च कृपासिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और जोर से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म परमारतम परिव्राजक आचार्य ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरक्षत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। परम गुरुदेव वर्ग नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर्शत भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर्शत भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज का चरणों का आश्रय लेते हुए समस्त रूपानु गुरु परम्परा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। उपस्थित श्रीपाद ओम प्रकाश प्रभु जी, सुंदर प्रभु जी, अन्य अन्य समस्त वैष्णव वैष्णवी हरिकथा श्रोत मंडली सभी के चरणों में यथा योग्य प्रणाम। हम लोग यहाँ गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं, व्यास पूजा, श्री व्यास देव जी के जन्म को उपलक्ष्य करके, और ये तिथि हम लोग मना रहे हैं। आप लोगों ने गुरुदेव से और अन्य अन्य वैष्णवों से श्री व्यास तिथि के विषय में, व्यास पूजा के विषय में बहुत कुछ सुना। वेद व्यास जी ने क्योंकि वेदों का विस्तार किया, एक वेद से चार वेद, पुराण, उपपुराण, उपनिषद इत्यादि, तो इसीलिए उनकी पूजा की जाती है। और क्योंकि गुरुपाद पद्म भी उनसे अभिन्न है, उन्हीं के ही समान कार्य कर रहे हैं, विस्तार ही कर रहे हैं, इसीलिए उनकी भी पूजा करने का विधान है। ये भी आप लोगों ने सुना कि व्यास पूजा, गुरु पूजा प्रत्येक दिन करने का विधान है। लेकिन एक चीज यहाँ लक्ष्य करने वाली है,
कि वेदव्यास जी उन्होंने वेदों का विस्तार किया लेकिन केवल मात्र देव भाषा संस्कृत में। लेकिन आप यदि देखेंगे उसके बाद में जो आचार्य वर्ग हुए हैं विशेष करके हमारी धारा में, आचार्यों ने इस देव भाषा में तो विस्तार किया ही किया है, और देव भाषा क्योंकि हमारे लिए बोधगम्य नहीं है इसलिए हमारे लिए और भी सरल भाषा हिंदी अंग्रेजी अन्य अन्य भाषाओं में भी उसका विस्तार किया। अर्थात वेदव्यास जी से भी एक स्टेप और आगे बढ़ के वो लोग और दयालु हो गए और हमारे ऊपर इन आचार्यों की विशेष कृपा वर्षण हुई है, क्योंकि गुरु वर्गों ने अंग्रेजी भाषा में, हिंदी भाषा में और उसी के माध्यम से अन्य अन्य कई सारी भाषाओं में ग्रंथों का जो अनुवाद आज के समय पर संभव हो पाया है ये उनकी विशेष दया का ही तो परिचय है। इसलिए वो व्यास अभिन्न तो है ही, लेकिन उससे भी और एक स्टेप आगे बढ़कर विशेष करके गुरुपाद पद्म क्या करते हैं, बोले ग्रंथ हिंदी में भी उपलब्ध हैं, लेकिन कितने लोग हिंदी ग्रंथ पढ़ पाते हैं? जब तुम पढ़ भी नहीं पा रहे तो गुरुदेव दया करके क्या करते हैं, स्वयं पढ़ाते भी हैं अत्यंत सरल भाषा में, हमारे लिए बोधगम्य भाषा में, बड़े ही सरल रूप में, किस प्रकार से हम समझ पाए, समझ करके उसको अपना पाए और उसे उसके बाद में प्रचार में उससे भी आगे विस्तार करें, ऐसी गुरुपाद पद्म की विशेष चेष्टा रहती है। मुझे स्मरण है जिस समय पर कोरोना सेकेंड वेव जब आई थी तो हम लोग श्री गुरु महाराज के साथ में बड़ौत मठ में रहते थे, तो वहां पर गुरु महाराज ने समस्त शिष्यों को लेकर के और वहां पर भागवत पढ़ाते थे, भागवत की शिक्षा देते थे। तो एक एक प्रत्येक दिन सवेरे के सत्र में प्रथम स्कंद से कथा चलती थी और शाम के सत्र में दशम स्कंद की कथा चलती थी। तो गुरु जी का इतना टायरलेसली एफर्ट्स होते थे, सवेरे वहां की दिनचर्या रहती थी। हम तो सर्दी का समय था तो कार्तिक के बाद की ही बात है, सेकंड वेव जब आई थी तो कार्तिक के बाद की ही बात है, हम रहते थे वृंदावन में, तो गुरुजी ने बुला लिया, बोले वहीं आ जाओ कुछ समय बड़ौत में रहेंगे, और उसके बाद लॉकडाउन हो गया। तो सर्दी का समय है, सवेरे उठने की किसकी इच्छा होती है, लेकिन गुरुदेव स्वयं शिष्य लोगों को जगा रहे हैं। भागवतम यदि आप पढ़ेंगे वहां पर षष्ठ स्कंद में एक शिष्य का क्या कर्तव्य होना चाहिए, वहां पर वर्णन आता है कि एक शिष्य को गुरुदेव के शयन करने के बाद में शयन करना चाहिए और गुरुजी के उठने से पहले उठ जाना चाहिए, गुरुजी के स्नान शौच इत्यादि की व्यवस्था सब करनी चाहिए। प्रभु राम ने जिस तरह से आदर्श दिखलाया, लेकिन यहाँ पर विपरीत देखा जाता है, गुरुपाद पद में इतने दयालु वो स्वयं पहले जग करके और हमें जगाते थे, बोले उठो भाई मंगल आरती होगी, सो रहे हो, सभी शिष्यों के घर में जाकर के दरवाजा नॉक करके, कमरे में जाकर के नॉक करके जगाते थे, मंगल आरती होती थी, मंगल आरती के उपरांत कथा होती थी, भागवत की शिक्षा देते थे, सभी को अच्छे से रूप में पढ़ाते थे, कल जो चीज पढ़ाया है उसको सुनते थे और सुनने के बाद में जो उसमें भूल त्रुटि होती थी उसको शोधन करते थे, शाम के समय पर फिर वापस जो कल शाम में पढ़ाया था उसको आज शाम में सुनेंगे। तो ऐसे टायरलेसली बहुत ज्यादा उन्होंने परिश्रम करके और हमें उस चीज को, ये जो दिव्य ज्ञान है, पारंपरिक ज्ञान है, इस पारंपरिक ज्ञान को आगे देने की प्रचेष्टा करी है। व्यास किस तरह से दयालु हो सकते हैं, वेदों का विस्तार जिस तरह से होता है, चलो गुरुदेव स्पेशली उस समय पर जब गुरुदेव पढ़ाते थे हम लोगों को, हमारा पूरा दिन जो है केवल मात्र इसी में ही जाता था, सवेरे जो पढ़ाया है उसके नोट्स बनाना है, उसको अगले दिन बोलना होगा और शाम में फिर वापस कथा होगी तो उसके लिए भी प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि बोलना है जाकर। तो सारा दिन भर कैसे, श्री चक्रवर्ती पाद ने कहा है ना, श्री विग्रह आराधन नित्यनाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जना दो युक्त से भक्तांश नियुंजतो अपी, स्वयं तो श्री विग्रह की आराधना करते ही करते हैं और जो अपने अनुगत जन है, करीना नियुक्त अनुगत जने वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, ऐसे गुरुपाद पद्म जो स्वयं जिस सेवा में ठाकुर जी की आराधना अर्चन पूजा सेवा हरि कथा इत्यादि प्रसाद सेवा में, गुरु जी को हमारे गुरुपाद पद्म सारी सेवाओं में दक्ष है, रसोई रंधन करने से लेकर हो, ठाकुर जी के श्रृंगार से लेकर हो, कथा कीर्तन मृदंग बजाना सफाई करना हर चीज सेवा में गुरुदेव दक्ष हैं। गुरुदेव स्वयं अपने हाथों से ठाकुर जी के लिए उस समय पर रंधन भी करते थे और गुरुदेव इतना सुंदर रंधन करते थे ठाकुर जी के लिए भोग बना करके, उस प्रसाद को हम लोग पाते थे, एक अलग ही उस समय का आनंद था। तो गुरुपाद पद्म सच में व्यास अभिन्न होकर के, व्यास जी से भी परम दयालु होकर के हमारे ऊपर कृपा वर्षण कर रहे हैं। अगर हम ऐसे निष्कपट और सरल संत के चरणाश्रय ना होकर यदि हो पाए तो ये हमारा ही व्यक्तिगत दुर्भाग्य होगा। इसलिए सभी लोगों से प्रार्थना है उनके आदेशों का पालन करके और अपना एक सदशिष्य होने का परिचय हमें देना चाहिए, इसी के लिए प्रचेष्टा करनी चाहिए। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जीपी प्रभु दो मिनट।
बस इसके बाद आरती होगी फिर प्रसाद। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। ओम ज्ञान तिम्रांश ज्ञानांजन शुभाया चुनितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अश्वतशिला भक्ति विद्वान सिद्ध महाराज जी के चरणों में तनों प्रणाम करता हूँ और उनसे हेतु की कृपा की वंशा करता हूँ। सभी हमारे वैष्णव आचार्य और यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव सभी भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। जैसे कि सभी भक्तों ने बताया है आज हम गुरुदेव की पूजा व्यास पूजा के लिए आयोजित हुए हैं, पुष्पांजलि के लिए, जैसे कुछ शब्दों से पुष्पांजलि दे रहे हैं। अब एक छोटी सी चीज बस मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि आज के टाइम पर कहते हैं ना कि गुरु भाई जो चमत्कार दिखा रहा है वही गुरु होगा। हम देखते हैं भाई चमत्कार दिखा रहे हैं, बहुत सारे बीमारी सही कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो गुरु होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। अपने अपनी जो मेन प्रॉब्लम्स हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। अभी क्या सोच रहा है कि मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही या मेरे घर में घर नहीं है, पैसा नहीं है, उसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सोच रहा है, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं है। और यदि अपन प्रैक्टिकली सोचें, देखें, यदि ध्यान से अपन उस चीज को देखें तो हमारे गुरुवर्ग उस चीज का भी सॉल्यूशन कर रहे हैं, लेकिन हमारी समझ में वो भी नहीं आ रहा है। हम प्रैक्टिकली देखते हैं उस चीज को, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि नहीं, हमें हमारी इच्छा इतनी है कि हम उस चीज को महसूस ही नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए जैसे अभी अपन देखें कि जो भी गुरुदेव के हम जो चरण अर्चित हैं, हम इतने दिन से इंतजार कर रहे थे और जब पता चला कि गुरुदेव की यहाँ 5 दिन या 6 दिन कथा होने वाली है तो कितनी प्रसन्नता हुई। तो ये प्रसन्नता भाई प्रसन्नता भी है और आंतरिक प्रसन्नता भी है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि नहीं चलो कथा सुनने चलेंगे, प्रसाद तो मिलेगा ही मिलेगा वहां पर, लेकिन ये भी एक प्रसन्नता है, प्रसाद मिल रहा है तो यहाँ पर भी कुछ स्वीकृति हो रही है कि नहीं चलो एक भी एक चरण गुरुदेव के चरणों में सरेंडर होने का एक प्रसाद ही एक माध्यम हो रहा है। और वैसे अपन देखें 8-10 दिन से इतनी ज्यादा गर्मी हो रही थी, गुरुदेव के आते ही बरसात भी हो गई, मौसम भी अच्छा हो गया। तो प्रैक्टिकली अपन यदि इस चीज को महसूस करें कि जब गुरु वर्ग जब संत हमारे पास आते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो जो हमारे इस संसार से परे की चीजें उनका ही सॉल्यूशन कर रहे हैं, हमारी सांसारिक चीजों का भी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका भी सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये सिर्फ सोचने की और हमें विचार, यदि हम बैठ करके विचार करें उस चीज पे तो हम उस चीज को महसूस कर पाएंगे। इतना ही कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम अज्ञान चंद्रांश ज्ञानांजन श्लाघया चक्षुर्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभी आरती होगी और उसके बाद सभी प्रसाद पा करके ही जाएंगे। हरे कृष्णा। श्री गुरु चराणा पद्मा केवल भकती सदमा, श्री गुरु चराणा पद्मा बंदो मोए सावधान प्रसाद भाई बताई
श्री राधा।
की बाबा से गोरा I'm